आज सरकार कल का पेश आया हूँ वही जय जमाला रंधाय भेलुरधर सुधया पुरया वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रापिशस्तकीर्ति भजामि राधांगन अरविंद नेत्रं स्मरा मध्य कृपा मई ताम शरण प्रवर्ण वृंदे नमस्ते चरणार जय मेरे गुरुपाद पद्मा नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कथकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, कृष्ण ने इंद्र पूजा को बंद करवाए, बोले पूजा करना तो श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि जितने फल फूल पानी हमें श्री गिरिराज गोवर्धन से ही मिलता है। गैया कहाँ कहाँ से खाते हैं, बोले गिरिराज गोवर्धन, तभी तो दूध देते हैं। पानी मिलती है कहाँ से, बोले गिरिराज गोवर्धन से। बोले बरसात कैसे होता है, बोले मेघ आ करके गिरिराज में टकरा करके बरसात होती है, इसलिए सब कुछ हम गिरिराज से प्राप्त करते हैं। ब्रज का जो प्रत्यक्ष देवता श्री गिरिराज महाराज है, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण ने कहा कि ये बताओ इंद्र को कब से पूजा कर रहे हो, बोले जब से होश आया। बोले अभी तक इंद्र को देखा है क्या, आप लोग जो भोजन करवाते हो इंद्र को देखा भोजन करते हुए, बोले नहीं। बोले हमारे गिरिराज ऐसे ही के देवता है, आप प्रत्येक स्वरूप में दर्शन करोगे सब कुछ धन करते हो, जो कुछ गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करोगे सब कुछ ये गिरिराज गोवर्धन तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। बोले लाला इन्हीं आंखों से ठाकुर का दर्शन मिलेगा, बोले और क्या, बोले फिर तो हम इंद्र का पूजा नहीं पूजा करेंगे तो श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। इसलिए कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को लेकर के उन्होंने श्री गिरिराज की पूजा कराए। कृष्ण शिक्षा देते हैं हमें बहुनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, आज किसी देवता को पूजा करें, कल उसी देवता को, परसों उसी देवता को, भैया 33 करोड़ देवता है, कितने को मनवाओगे, एक को मनाओ दूसरे मुंह खुला करके बैठ जाएगा, तीसरे को मनाओ चौथा मुंह खुला करके बैठ जाएगा। लेकिन ये गिरिराज गोवर्धन ऐसे के देवता है, क्यों, ये गिरिराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए कितना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे, सब कोई उसको पर कृपा कर देते हैं। इसलिए जब गिरिराज की उन्होंने पूजा करवाए, इंद्र ने देखा हर साल ये ब्रजवासी तो मेरी पूजा करते थे, मेरे को भोग लगाते थे, लेकिन इसी बार तो कोई पूजा का स्वर शब्द तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने एक दूत को भेजे, देख करके आओ ये ब्रजवासी कर रहे हैं क्या। जब दूत देखने के लिए आया, देखा जितने इंद्र के लिए लड्डू कचौड़ी मालपुआ रसमलाई बना था, ये सबके सब कृष्ण लेकर के श्री गिरिराज की पूजा करवा रहे हैं। बोले कृष्ण तो इनको बहका करके गिरिराज की पूजा करा रहे हैं। इंद्र को इतना क्रोध आया, कृष्ण को गाली के ऊपर गाली, गाली के ऊपर गाली देने लग गया। लेकिन भगवान में ये दोष कहाँ सकती है, सुधा सरस्वती ने जितने गाली को उन्होंने स्तुति पर कर दिया। बोले ये ब्रज को मैं सत्यानाश कर दूंगा, संबर तक में 49 पवन को बुलाया, ऐसे मूसलधारा से बारिश करो जैसे ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए, पूरा ब्रज में आंधी तूफान प्रलय जैसे आ गई, हाथी के सूंड के जैसे धारा में बरसात होने लगी, बड़े बड़े ओले गिरने लग गया,
सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास में गए, बोले कृष्ण माताएं वहां पर जो बैठे हैं ना, अब लोगों को यहाँ बैठने का जगह नहीं, क्योंकि पीछे कोई बैठ नहीं पाते हैं, लोग आते हैं, इसलिए अब लोग पूरा सतर्क करके बैठे हैं कि चेयर को सबके सब पीछे ले जाओ, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर देखने वाले जाओ ये काम को करो। इसलिए बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। इतने में सारे ब्रजवासी गए श्री कृष्ण को पास में, बोले कृष्ण तेरे बात सुन करके हमने पूजा बंद कर दिया इंद्र की, देखो ये सब क्या हो रहा है। बोले चिंता क्यों करते हो, हम गिरिराज की पूजा की ना, चलो सारे सामान को लेकर के श्री गिरिराज की तलहटी में जाते ही गिरिराज जी हमारी लाज को बचाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा जैसे छत्री को धारण कर लेता है, ऐसे ही कृष्ण बाम हाथ कनिष्ठ अंगुल में श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सारे सामान को लेकर गिरिराज की नीचे आ जाओ। मैया जसोदा बारंबार कृष्ण को मक्खन मिश्री खिला रही थी, लाला को भूख नहीं लग जाए, और हाथ को मालिश कर रही थी लाला का हाथ में दर्द नहीं हो जाए। इतने में कृष्ण सब जितने सखाओं थे सबके सब लठिया ला करके लगा दी। बोले कन्हैया कब तक तू ये गिरिराज को उठाओगे, थोड़ा तो विश्राम ले ले। कृष्ण ने कहा भैया तेरे से ये गिरिराज नहीं उठेगा तुम लोग से। बोले तू क्या अकेला मैया का दूध पिया, हमने दूध नहीं पिया, नीचे हाथ कर ले, हम भी गिरिराज को देख लेते हैं। कृष्ण जब हाथ नीचे किया, गिरिराज तो धीरे 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 नीचे आने लग गए। जितने डंडा लगा कर रखे थे डंडा सब टूटना शुरू हुआ। इतने में ब्रजवासियों ने कहा लाला हमसे गिरिराज नहीं उठेगा, तू ही ये गिरिराज को धारण कर ले। इतने में श्रीमती राधा रानी अपना टेढ़ी भों करके गिरिराज को ऐसे देख रहे थे, बोले खबरदार अगर तू नीचे आया ना तेरे को जला करके मैं राख बना दूंगा, इसलिए वहीं पर अटक करके रह जाओ। इसलिए ब्रज में एक दुआ कहते ना, कछु माथन को बल बढ़ो, कछु गोपे ने करी सहाय, और गिरिराज कृपा से गिरिवर लिए उठाए। राधा जी की कृपा से श्री गिरिवर लिए उठाए। इसलिए गिरिराज को कौन उठाएगा, श्रीमती राधा रानी। इतने में राधा रानी सामने आ गए। जब राधा रानी सामने आई, राधा रानी को रूप को देख करके, इतने सुंदर राधा रानी थी, राधा रानी को तो देख करके कृष्ण कांप उठे। इतने में गिरिराज गोवर्धन भी डगमगाने लग गए। इतने में सखाओं ने कहा कन्या तू किधर देख रहे हो, इधर उधर मत देखा कर, राधा जी की तरफ क्यों देख रहे हो। क्योंकि राधा जी की प्रेम ऐसे है, हमारे से प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, बोले बंसी करार निपतितस खलितम श्रीखंडम भ्रष्ट च पीत वसनम ब्रजराज सुन। अगर राधा रानी अगर एक बार तेरी नजर से कृष्ण को देख लेना, कृष्ण का मयूर मुकुट गिर जाता है, कन्या का बंसुरी गिर जाती है, कब कृष्ण का कपड़ा गिर जाता है पता नहीं चलता, कृष्ण खून को भी गिर जाते हैं। राधा जी इतने सुंदरी। इतने में क्या कि राधा जी को एक गोपी ने एक कपड़े से राधा रानी के शरीर को ढक दिया, क्यों, कृष्ण का नजर से राधा जी के ऊपर में नहीं पड़े। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कृष्ण गिरिराज को क्यों धारण किए, कल हमने उसका चार ही कारण सुने थे। उसमें एक कारण था, कृष्ण सोच रहे थे ये ब्रजवासी अपना है, जितने सखा कृष्ण से प्रकट हुए, जितने गोपी राधा रानी की गायब भी है, प्रकाश एक के प्रकाश है। कृष्ण की इच्छा थी इनको साथ में चाहता हूँ, मैं 7 दिन तक इनको साथ में रह करके आनंद लूं। अभी जिन गोपियों से राधा रानी से कृष्ण मिलने के लिए कठिन होता था, अभी वो लोग सामने खड़े, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है, बाहर कहाँ जाएंगे, सबके सब चिपक करके खड़े हुए। और कृष्ण ब्रजवासियों को साथ में, ब्रज गोपियों को साथ में, ठाकुर जी बड़े अच्छे तरह से उन्होंने 7 दिन तक बिताए। इतने में इंद्र ने अपना जी जान लगा दी। जब 7 दिन ही हो गया, एक दूत को भेजे, देख करके आओ तो
ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत आया, वो ऊपर 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 देख कर गया, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सबके सब खत्म हो गए, एक चिट्ठी तक भी नहीं। उन्होंने और एक को भेजा, भैया तू देख कर गया, वो तो ऊपर देख कर गया था, नीचे आकर के देखा चिट्ठी क्या, एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं, ब्रज में तो धूल उड़ रहा है। इंद्र सोच रहा था कोई विपत्ति आ पड़ी, कोई विपत्ति नहीं, वहां पर तो उत्सव मच रहा था। बोले आज बीरज में होरी रे रसिया, डालो बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी रे Yeah.
जब वो दूत आया देखा विपद किया ब्रज में तो संपत्ति वो आनंद तुम्हारे कीर्तन कर रहे सब खुश हो रहे। जब वापस लिया इंद्र ने बोला ये ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश ना क्या सत्यानाश है। बोले मतलब बोले जिसको तुम साधारण बालक समझ रखा था वो तो कनिष्ठ अंगुल में श्री गिरिराज गोवर्धन को खा कर रख गई। सारे ब्रजवासी आनंद में सब नाच रहे थे। इंद्र ने ध्यान लगाया भैया ये है कौन। जब ध्यान लगा करके देखा ये तो मेरे प्रभु इंद्र तो मेरे बलि महाराज इंद्र को ही छीन लिया था। इन्होंने वामन अवतार में मेरे को कृपा करके उन्होंने इंद्र पद को वापस दिया। लगता है मेरे इंद्र पद ही छीन गया। इंद्र अपना पत्नी सची को साथ में अमरावती में विश्राम करने के लिए गया। वो इतने घबराहट हो रहा था उसको नींद नहीं आई। लगता है इंद्र पद मेरी छीन गई। अपना गुरुजी बृहस्पति को पास में गए। बृहस्पति बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले पितामह ब्रह्मा जी को पास में। जब ब्रह्मा जी को पास में गए बोले तुमने सर्वनाश कर दिया। ये कृष्ण ऐसे के देवता है ना उसने किसी की घमंड को नहीं रखा। मैं भी कुछ दिन पहले बड़े बुरे तरह से मैं भी फंस गया था। बोले आप भी फंस गए थे। बोले कैसे। बोले जिस समय कृष्ण ने उन्होंने अघासुर मारे अघासुर बड़ा भयंकर सर्प रूप धारण करते हुए गया था। अघासुर ठाकुर को तो निगल ही गया था। लेकिन जब उन्हें सर को फट फाट फार करके निकले और उनका ब्रह्म ज्योति जा करके भगवान की शरीर में लीन हो गया। ब्रह्मा देखा ये कौन है और सारे देवता लोग स्वर्ग लोग में बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सबके सब जयजयकार कर रहे थे। इतने में देखा ब्रह्मा ये देखो इतना छोटा 5 साल का बालक इतने बड़े दैत्य को मार डाले पर इसकी ब्रह्म ज्योति आकर के शरीर में मिल गया। तभी कौन है। थोड़ी सी ब्रह्मा आगे की लीला देखने के लिए कृष्ण ग्वाल बालों को साथ में यमुना किनारे में बैठ करके भोजन कर रहे थे। भोजन करते समय सब सखा लोग जो रसगुल्ला मालपुआ लाए थे पहले तो सखा लोग खा रहे थे। कृष्ण सबसे छीन छीन कर खा रहे थे। बोले तुम क्या अकेले खाओगे मेरे को नहीं दोगे। कृष्ण ने देखा ये कैसे भगवान है जिनको झूठन फुटन को भी कोई पता नहीं सबका झूठा खा रहे। थोड़ी सी आगे लीला को देखने के लिए कृष्ण की उन्होंने बछड़े और सखाओं को उसने चोरी की। जब चोरी की कृष्ण स्वयं बछड़े सखा स्वयं कृष्ण बन गए। अब ब्रह्मा जब उनको एक गुफा में छुपा करके जब उन्होंने ब्रह्म लोक में गए ना वो ब्रह्म लोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं पहुंच गए ब्रह्म लोक में। वहां जो चौकीदार था बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए अगर कोई मेरे जैसे आए तो घुसने मत दिया करना। इतने में कृष्ण ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा का आसन को दखल कर लिए। ए जब सही ब्रह्मा गए उनका जो नौकर थे ना डंडा लेकर के सबके सबको मैंने गुफा में बंद कर रखा था फिर कहां से आ गए। लगता है कृष्ण उनको वापस ले आए देखने के लिए गए। बोले नहीं वो तो मोह निद्रा में सबके सब पड़े हुए। बोले फिर ये कौन है। ब्रह्मा जी सोचे जब इधर आता हूँ शायद सखा लोग इधर आ जाते हैं और उधर से इधर। ब्रह्मा का चार मुंह एक साथ में दोनों तरफ में जब देखे ब्रह्मा जी अपना विभूति को दिखाया देखो ये बछड़े सखा कौन है। सबके सब उन्होंने देखा चतुर्भुजधारी नारायण सब नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा समझ गए ये मेरे बाप का भी बाप है। क्यों मैं तो एक नारायण का नाभि कमल से मेरा जन्म है यहाँ तो अनंत करोड़ नारायण दिख रहा है। इतने में ब्रह्मा जब वो हंस वाहन के ऊपर जो ब्रह्मा बैठे हुए थे ना वहां से कूद पड़े और कूद करके सीधा कृष्ण के चरण में उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर लिया। एकदम साष्टांग प्रणाम कर लिया। देखो यहाँ प्रश्न होता है जो स्वर्ग के राजा है ना स्वर्ग के जो देवता है इनके दो गुण है। कितना गुण है करे दो लक्षण है। पहला लक्षण है जो स्वर्ग के देवता हमारे आंखों का जो पलक झपती है ना उनकी आंख का पलक नहीं झपेगी ये देवता का लक्षण है। दूसरा लक्षण है
उनका चरण कभी ये जमीन को स्पर्श नहीं करेगा, इनका दो लक्षण होगा। लेकिन ब्रह्मा तो बहुत ऊंचा रहते हैं, देवता से भी ऊंचे, लेकिन उन्होंने फिर ये ब्रज रज के ऊपर लेट कैसे? तो इसका कारण बताए, ब्रह्मा जी समझ गए कि जो ब्रज रज है ना, ये साधारण नहीं, ये तो चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। ब्रज रज को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी तरसते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी सारे अभिमान को त्याग दिए और सीधा कृष्ण के चरण में लेट गए। जब लेट गए, आप लोग को बताओ तो ब्रह्मा का कितना सर है? कितना है? चार। जब उन्होंने एक सर तो कृष्ण के चरण को स्पर्श किया, लेकिन अभी तीन सर बाकी रह गया। शरीर का एक अंग तो ब्रज रज को स्पर्श किया, अभी तीन अंग बाकी रह गया। इतने में ब्रह्मा जी क्या किए, सर को जोर करके ला करके प्रभु के चरण में तो स्पर्श की और ब्रज रज में ब्रह्मा जी लौट को उठाने लगे। बोले क्यों? बोले भैया मेरे संपूर्ण शरीर ये ब्रज रज में ही अभिषिक्त हो जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी लौट को उठाने लग गए। अरे ब्रह्मा जी अपना असुर से उन्होंने भगवान के चरण को उन्होंने अभिषेक करवाए और आंख को मलते मलते खड़े हुए और भगवान को स्तुति करते हुए बल ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर राधि गोविंद सर्व कारण कारण। बोले भगवान कृष्ण कौन है? बोले ये ईश्वर है। बोले भैया ईश्वर कहते हैं किसको? बोले अघट न घट न पटियसी, जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, दिन को जो रात कर सकते हैं, रात को जो दिन कर सकते हैं। महाभारत देखे कि नहीं? जब जयद्रथ को अर्जुन मारने के लिए संकल्प की, कृष्ण ने क्या किया? बोले सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ को मार नहीं पाऊंगा तो सशरीर अग्नि में आहुति दे दूंगा। इतने में कृष्ण ने क्या किया? महाभारत देखे कि नहीं? चक्र को भेजा तो दिन में ही रात हो गई, दिन में ही रात हो गया, फिर रात में ठाकुर ने दिन कर दिए। इसको कहते ईश्वर। ईश्वर का दूसरा अर्थ होता है जो मरे हुए व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जो जिंदा कर सकते हैं। आप देखे होंगे भागवत में जब कृष्णा सुदामा गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, उनने 64 दिन में 64 विद्या को उन्होंने पढ़ लिया। देख करके तो गुरु जी आश्चर्य में पड़ गए, जैसे कोई सीए करते होंगे, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टरी करते होंगे। देखना जिंदगी भर पढ़ते 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 एक सब्जेक्ट को फिनिश नहीं कर पाते, एक विषय को। लेकिन विद्या 64 तरह का है, विद्या दुनिया में जितने सब नॉलेज है, लेकिन ठाकुर ने क्या किया, 64 दिन में 64 विद्या को पूरी कर लिए। गुरु जी तो आश्चर्य में पड़े गए, जिंदगी भर कोई एक विद्या को पढ़ करके समाप्त नहीं कर पाते, ये 64 दिन में 64 विद्या को कैसे पढ़ लिए? लगता ही भगवान बोले इनको परीक्षा करेंगे। बोले क्या परीक्षा करेंगे? बोले ये जब घर में वापस जाएगा गुरु प्रतिज्ञा देनी चाहिए, हम ऐसे एक चीज को मांगेंगे जो केवल भगवान के सिवाय जो काम नहीं कर सकते। क्या मांगेंगे? बोले बचपन में हमारे बेटा मर गया, बोलेंगे मरे हुए बेटे को वापस लाओ, वापस लाओ। जो उन्होंने मांगे, ठाकुर जी कहां पर गए? जमपुरी में गए। ठाकुर जी शंख बजाए, शंख सुन करके स्वयं काल, जिस काल को दुनिया डरता है, थर 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 बारी आ गया है। क्योंकि इंद्रा का अभिमान दूर किए, ब्रह्मा की अभिमान भी दूर किए, शंकर जी का भी अभिमान को दूर किया। लगता है भैया मेरा बारी आ गया। स्वयं काल कांपते कांपते आया, बोले प्रभु क्या सेवा करे? बोले मेरे गुरु पुत्र को वापस करो, मरे हुए बच्चों को कम से मार डाला। मैं भी चाहता हूँ मरे हुए बच्चों को मैं भी दर्शन कर लू। मैया की चिंता करती हो, फिर गए कर लिया। भगवान जब फिर द्वारका में थे, एक ब्राह्मण का बच्चा जन्म लेकर मर जाता था। एक दिन कृष्णा बेटा जो पाप को प्रजा लोग भोग करते हैं, प्रजा लोग भोग करते हैं, तेरी पाप से मेरे बच्चे मर रहे हैं। वहां पर अर्जुन भी बैठे हुए थे, बोले इस बार तेरे बच्चे को मैं बचाऊंगा। ब्राह्मण को तो ब्लॉक करो, तो रीढ़ तू क्या बचाओगे?
साक्षात यहाँ कृष्ण बैठे हुए, साक्षात बलदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध बैठे हुए हैं, यहाँ पर भगवान चतुर्व्यूह रूप में बैठे हुए। जब ये रक्षा नहीं कर पाए तू क्या रक्षा करोगे? अर्जुन ने बोला मैं कृष्ण नहीं, मैं बलदेव प्रभु नहीं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध। लेने का समय आए केवल मेरे को याद करा देना, फिर देख लेना। अभी बच्चा जन्म लेने वाले भागते भागते गए, अर्जुन को बुलाए। सचमुच से अर्जुन ऐसे तीर मारे, उन्हें ऐसे तीर मारे जो श्रुति का गृह था ना, पूरा पूरा उसको बंद कर दिए, हवा तक भी अंदर में नहीं जा सकता है। अर्जुन अपना गांडीव लेकर के दरवाजा पर खड़े हो गए, बोले देखता हूं कौन आता है। हर बार क्या होता था, बच्चा तो जन्म लेता था लेकिन रोने का आवाज मिलता था, बच्चा उसी समय में गायब बच्चा रहता था। इसलिए लेकिन इस बार क्या हुआ आपको पता है? इस बार बच्चा जन्म हुआ, हर बार तो बच्चा शरीर रहता था मरता था, इस बार तो शरीर समेत गायब, शरीर ही गायब हो गया। इतने में अर्जुन तो साधारण नहीं, उन्होंने तो अपना बैठ गए ध्यान में, भूर भुव मोह जन तप सत्य लोग तक गए ध्यान में, अतल बीतल रता सब पाताल लोग तक गए, लेकिन कहीं भी उन्हें बच्चा मिला नहीं। इतने में ब्राह्मण इतने गाली गलौज की, अभी अग्नि में शरीर को त्याग देने जाते थे, कृष्ण बोले चलो मेरे साथ में। कहां पर गए? भगवान विष्णु के पास में गए। इतने में भगवान विष्णु ने बोले प्रभु आप इतने सुंदर हो, आप इतने सुंदर हो, आपको केवल दर्शन करने के लिए मेरे बच्चे को चुराया, अब लो ब्राह्मण का जितने बच्चे को लेकर दिया। भगवान कहां, विष्णु लोक से उन्होंने सारे मरे हुए बच्चों को लेकर गया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया ईश्वर किसको कहते हैं? बल्कि ईश्वर उसे कहते हैं जो अघटन घटन पटयसी, हे को नहीं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सक्यते, हे को नहीं नहीं को जो है कर सकते हो भगवान श्री कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की। ब्रह्मा जी भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर, ब्रह्मा जी ठाकुर को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति किए, बोले प्रभु आप कौन हो? बोले अनादिर राधि गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त का जो मूल कारण का जो कारण है ना ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र। कौन कह रहे हैं? ये ब्रह्मा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए जब हम भगवान कृष्ण को पूजा कर लेते हैं ना, जैसे तुम्हारे दम इधर देखो जो लड्डू गोपाल बैठा हुआ है, आपको लगता होगा ये कोई छोटा, लेकिन छोटा नहीं बड़ा छोटा है, आपको उसको जानते नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा कह रहे हैं। वो देखने में तुम्हारे घर में इतने छोटे से बन कर बैठा हुआ, लेकिन हम क्या करते जानते हो? अगर थोड़ी सी अगर इधर उधर हो जाए ना, भगवान को छोड़ करके और किसको पास में भागना शुरू कर देते, और किसी देवा देवी के पास में भागना शुरू कर, हमको पास में। भैया कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके जगत में और कुछ नहीं, देख ले तू मेरे को। भगवान क्या किया? विराट रूप दिखाया कि नहीं? ठाकुर जी दिखाया कि नहीं? देखे कि नहीं? बोले जिसको ब्रह्मा शंकर नारद कहते देखो मेरे में, इंद्र चंद्र भाई वरुण मेरे में, बोले यहाँ तक भी जितने मत्स्य कुर्म बराह सबके सब मेरे में। अर्जुन देख ले भैया, जब भगवान कृष्ण में सब कुछ, इधर उधर क्यों भाग रहे हो? इधर उधर भागने का जरूरत नहीं। आप बोलोगे शंकर हमें कुछ दे देगा, मैया दे देगा, हनुमान, कुछ भी नहीं दे सकते तुमको। गीता पढ़ करके देखो, उनको देने से पहले कृष्ण से परमिशन लेना पड़ता है, प्रभु ये व्यक्ति ये चीज मांग रहे हैं, क्या दूं क्या नहीं दूं, तब भी जाकर के दे सकता। भागवत गीता पढ़कर देख ले, ये पूछ भी 33 करोड़ देवता कृष्ण की आदेश के बगैर एक सुई धागा भी तुम्हें नहीं दे सकते। देने वाले भगवान कृष्ण हैं, ये ब्रह्मा शंकर ये सबके सब यही बात कह रहे हैं। इसलिए जब मातृगर्भ में भगवान कृष्ण आए और 33 करोड़ देवता भगवान को स्तुति कर रहे हैं, बोले प्रभु सत्य प्रथम सत्य परम सत्य सत्य सोनी निहितम च सत्य, ये 33 करोड़ देवता इस बात को कह रहे हैं। इसलिए भैया कृष्ण को छोटे मत समझो, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल भर कर बैठा हुआ, आप बोलोगे ये क्या करेगा? भैया करने वाले यही है, और कोई कुछ करने वाले नहीं, और कोई कुछ कर नहीं सकते, यही करने वाले हैं।
इसलिए एकनिष्ठ होकर के भगवान को पूजा करो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, जय जय श्री लाल, जय जय श्री लाल, जय जय श्री लाल। बोले ज्ञानी प्रयास मुतु पास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुख रीतं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तन्वांग मनोवी जे अजीत जीत अपि प्राय अस्त्रलोक्या। देखो यहाँ पर एक अच्छी बात बताए, एक भगवान का एक नाम अजीत, अजीत मतलब जिनको जितना बड़ा कठिन, मतलब जिनको पालना बड़ा कठिन। फिर प्रश्न होता है फिर ठाकुर क्या मिलेंगे, नहीं उसका नाम ही अजीत है, उसको कोई जीत नहीं सकते। बोले हाँ उसको पा सकते हो। बोले कैसे पा सकते हो, बोले सारे अभिमान को पहले छोड़ो, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते, भैया तुम हम कुछ नहीं कर सकते। सारे अभिमान को परित्याग करके क्या करो, मुदुपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुख रीतं भवदीय वार्ता। क्या करो, भक्तों के श्री चरण में रह करके उनकी मुखार बिंद से कृष्ण कथारूपी मंदाकिनी की जो नदी बह रही है उसको स्नान, उसमें स्नान करते रहो। करना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। संतों की शरण में रहो। बोले स्थाने स्थिता, बोले भैया कहाँ पर रह करके भजन करनी चाहिए, बोले संतों की चरण में रह करके भजन करनी चाहिए। और दूसरा अर्थ बताए, जैसे किसी व्यक्ति को बोले भजन करो, बोले अभी क्या भजन करेंगे, अभी बच्चे सब छोटे हैं, बच्चे अभी सब छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे, जब इनकी शादी शुदा हो जाएगी ना, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा, एक दो माला सटका लेंगे, सारे काम को निपटा करके भजन करेंगे। अभी तक इसका काम निपटा है, बोले खुद निपट जाओगे, काम तुम्हारे नहीं निपटेगा कभी। ये काम अभी निपटा किसका जिंदगी में, आप देखना मरने से पहले 200 साल का हैं, 200 साल का प्लानिंग बनाकर जी बैठता है भैया। कब काम कभी कभी जिंदगी में किसका निपटा नहीं। लेकिन अगर हम भगवान की भजन करें, भगवान कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे, भगवान कहते मेरे तरफ में एक कदम बढ़ा, मैं तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा। इसलिए स्थाने स्थिता मतलब ठाकुर जी तुम्हें जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था में रह करके क्या करो, भगवान की भजन करो। इसलिए कहते ना, जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ठाकुर जी जिस अवस्था में हमें रखे हैं उसी अवस्था में रह करके भगवान की भजन करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण 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 की शरण में रहते हुए जब भगवान की भजन करेंगे, उनकी कथाओं को हम श्रवण करेंगे, वो अजीत होने पर भी जीत जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी दूसरे श्लोक में कहते हैं, बोले देखो भैया जीवन में जो कुछ आता है ना, अच्छे तरह से इसको सुना, ये ब्रह्मा हमारी मूल पिता है जिनसे हम जन्म हुए हैं, हमारे जो मूल पिता ठाकुर से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से हुए मनु महाराज, फिर हम मनु महाराज से हुए, हम ब्रह्मा की वंशज हैं, है? वो हमारे दादा की परदादा ब्रह्मा जी, वो हमारे अच्छे लिए, अच्छे के लिए तो बोलेंगे ना। देखो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले तत्व अनुकंपा सुस्मित समान भुंजामि एवात्म कृतम विपाक। मतलब जीवन में जो कुछ आता है ना, कभी किसको पर कभी दोष मत लगाए, अरे उसकी वजह से ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने मेरे लिए,
ब्रह्मा जी कहते भैया कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, हमने जैसे कर्म करते हैं कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं। आप बताओ अगर हम चीकू का बीज बोएंगे तो वहां से कौन सा वृक्ष आएगा? ना केले का वृक्ष आएगा, चीकू का वृक्ष आएगा। अगर हम आम के बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष वहां आएगा? कटहल आएगा, आम आएगा ना। अगर नीम का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष आएगा? नीम की आएगी ना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हम जीवन में जो कुछ किया है ना वही फल ही हमें प्राप्त होता है। आप लोग तो माता ही रसोई बनाते कि नहीं घर में? कौन कौन रसोई बनाती हो? अब देखने लगा जब रसोई बनाती हो अच्छे तरह समझो, कहीं आपने दाल को रखा, कहीं चावलों को रखा, कहीं हल्दी रखा, कहीं घी रखा, कहीं तेल रखा। तुमने जहां जहां पर जो चीज रखा है ना जब आप हाथ लगाओगे वहां से वही चीज तो आएगी। जहां पर चावल रखा वहां चावल आएगा, जहां घी रखा घी आएगा। इसका मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं हमने जैसे कर्म की है वो कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी को पर दोष को कभी भी मत दिया करो, हम की वजह से हो गया, उसने ऐसे कर दिया। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तत्व अनुकंपा सुसमिक समान भुंजामि एवात्म कृतम विपाकम। अपना किया हुआ कर्म का हम फल भोग कर रहे हैं। बल्कि ये चीज को समझो, अगर भगवान की भजन हम कर रहे हैं, अगर कोई जीवन में बहुत बड़ी कोई विपत्ति आने वाली, लेकिन चूंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी क्या करते हैं, कोई छोटी सी दंड देकर के हम छोड़ देते हैं। ये चीज को समझो, ये चीज को मत समझो हम भगवान की इतने भजन किया, भक्ति किया, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे करते हैं। कभी ठाकुर को पर दोष मत लगाओ, ठीक है ना। मैंने के कथा सुनाता हूँ ना, दो बार सुन लो। बोले एक समय दो भाई थे, एक भाई तो भगवान की भक्ति करता है, एक भाई भक्ति करता नहीं, एक आस्तिक एक नास्तिक। अभी जो भाई भक्ति नहीं करता है, जो भक्ति करता है उसको हर समय प्रोटीन करता खिली उड़ाता, क्या दिन भर माला लेकर बैठे कोई काम धाम नहीं, दिन भर ये पत्थर ठाकुर जी कुछ बोलते हैं क्या? दिन भर ठाकुर के घर में बैठी जाती हो माला लेकर के, ये हरे कृष्ण करते रहे तो बेकार सब काम, छोड़े सब धंधा को, ये धंधा को तो छोड़। एक दिन क्या हुआ, दोनों भाई कहीं निमंत्रण में जा रहे थे। अभी जो भाई भक्ति नहीं करता था उसको एक सोने की मोहर मिल गया, बस उसको तो मौका मिल गया बोलने का। अपने देख तू तो इतना हरी 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 करते हो, तेरे को क्या मिला, मेरे को क्या मिला, सोने की मोहर मिला, तेरे को कुछ नहीं मिला। लोहिया बात भी सही, जब थोड़ी दूर गए ना जो भजन करता था उसको प्यार में एक लोहे की सीख कर गई। इतने में इनसे तो बोल पड़ा, बोला देख लिया तू इतने भगवान की भक्ति भजन करते हो, हैं तेरे प्यार में सीख कर गई, खून बह रही और सोने की ढेला मिल गया मेरे को, सो बेकार भजन भजन छोड़। इतने में तो वो दुखी हो गया, दुखी होकर के ठाकुर जी को स्मरण किया, ठाकुर जी दिन भर में तेरा भजन करता हूँ पूजा करता हूँ तू ऐसे सबके सामने मेरी बदनामी करते हो। इतना जब बोला ना इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा चिंता मत करो, तुम ये मत समझो भक्ति करने वालों को दुख और जो भक्ति नहीं करते सुख मिलता। सुन ले तुम्हारी पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में ये जो व्यक्ति आज सोने की ढेला मिली, बहुत दान पुण्य की थी, आज का दिन राज दरबार में उसको राज्याभिषेक होने का था, राजा बनने का था। वो चुके मेरे मेरे भक्तों को बदनामी करता है, निंदा करता है, इसका सारे पुण्य को मैं खत्म कर दिया और सोने की एक ढेला देकर इसको लेकर नहीं जा। तेरी बात सुन, पहले जन्म में तू मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरी फांसी झूलने का था। चूंकि तू मेरे भजन पूजा करते हो, मैं तेरे सारे पाप को नष्ट करते 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 थोड़ी सी बाकी रह गई थी और तेरे प्यार में केवल एक सींग कड़वा कर मैंने छोड़ दिया। इसलिए ये मत समझो भजन करने वालों को दुख मिलता, नहीं, वो प्रसन्न होकर के भजन करो, वो खुशी होकर भजन करो। फिर दूसरे उदाहरण देते हैं, हम भक्ति करते हैं फिर दुख कभी कभी मिलता क्यों, ये चीज को समझ लो अच्छे तरह से, दूसरों को भी समझाना, ठीक है ना। सुन रहे कि नहीं बैठ करके, कौन सुन रहे हैं सब, या ऐसे नहीं कुछ दूसरे व्यक्ति को थोड़ा बोल दिया भजन भजन छोड़ दिया, अच्छे तरह सुनो।
जैसे देखना जिनकी गेहूं की खेती होती है ना, उनको घर में एक ड्रम रहता है, और ड्रम में जैसे इसी साल गेहूं की खेती की, लेकिन दाना बड़ी बड़ी छोटी छोटी दाना हुई, उसको उसने डाल दिए। दूसरी साल जब खेती की, बढ़िया दाना हुई, बड़ी बड़ा दाना, उसको भी ऊपर में डाल दिए, लेकिन देखे होंगे उसको नीचे एक छेद होता है होल, उधर से जितना जरूरत उसको निकाल करके फिर उसको आटा बना कर खाते हैं। जब नीचे से उसको निकालेंगे पता पहले कौन सा गेहूं निकलेगा, छोटा वाला ना बड़ा वाला? क्यों छोटा वाला क्यों निकलेगा, वो तो बड़ा वाला डाला। हाँ कितना यही चीज को समझ लो, यही चीज को समझ लो। इसलिए बड़ा दाना निकलेगा, लेकिन पहले साल उन्होंने क्या किया, छोटा दाना को उसने डाला है। जब छोटा खत्म हो जाएगा फिर बड़ा आएगा। बड़ा मतलब अभी तक हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में तुमने क्या कर गया किसको क्या पता है। तीसरा उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति दो मर्डर कर दिया, कितना मर्डर कर दिया, दो। हमारे भारत का संविधान का नियम है, अगर एक व्यक्ति को कोई अगर मर्डर कर दिया तो आजीवन कारावास, लेकिन उसने दो मर्डर की थी, लेकिन अभी एक जीवन का आजीवन कारावास भोग किया, अभी दूसरा मर्डर बाकी है। आप लोग कभी कभी देखना किसी एक व्यक्ति ने मर्डर किया, चूंकि उसको साथ में दो तीन व्यक्ति थे, देखना ये सबको जेल हो जाता है, हो जाता कि नहीं, वो सोचता है हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, बिना कारण के हम जेल में क्यों चले गए। बोले भैया एक तुम्हारी बाकी है, पहले तो एक हो गया था, अभी एक बाकी है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया किसी को कभी दोष मत लगाओ, दोष नहीं लगाते भैया क्या करो, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की भजन करो, और भक्ति में इतने शक्ति है, अगर तुम्हारी प्रारब्ध में, प्रारब्ध तो भोग करना पड़ेगा, लेकिन प्रारब्ध भी खंडन हो सकती है। रूप गोस्वामी कहते हैं कैसे खंडन हो सकती, बोले हरि का नाम से। अगर तुम इसी जीवन में संतों की संग मिल गया, अगर खूब डट करके हरि नाम करो, खूब भजन करो, आपने सुना ना किसकी, वाल्मीकि का कथा सुने कि नहीं, पहले कौन थे, दशरथ ना करते, नारद के बोले उसको राम का नाम दिया, बोले बोलो राम, बोलो बोलो बोलो, कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करह विचार सुमन मन माई, भगवान की नाम इतनी शक्ति है, अगर संतों की संगत में मिल गई ना कोई, भगवान भगवान की नाम ही एकमात्र, रूप गोस्वामी कहते प्रारब्ध कर्म की, केवल प्रारब्ध कर्म को खत्म केवल प्रभु का नाम, और कुछ नहीं कर सकता है। भागवत में अजामिल की कथा है सुनी, बेटा का नाम केवल नारायण उसने रख दिया, हर बात बात पर नारायण इधर आ जा, नारायण पानी ले आ, केवल उन्होंने भगवान की नाम लेते लेते भगवान को नहीं बेटे को बुलाते बुलाते खत्म सारे पाप। इसलिए अगर हम डट करके भगवान के नाम जप करेंगे ना, यही प्रभु का नाम ही तुम्हारे सारे पाप को खत्म कर सकता है दुनिया में, और कोई चीज नहीं ये पाप को खत्म करने वाला। इसलिए क्या करो भैया, जीवन मिला है ये जीवन में खूब डट करके एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे इसलिए ब्रह्मा जी बड़े भगवान की स्तुति की, लेकिन ठाकुर तो सखाओं को साथ में खेल रहे हैं, इनके तरफ में ध्यान नहीं दे रहे। अभी ब्रह्मा जी ने देखा प्रभु को हमने इतनी सुंदर स्तुति कर रहा हूँ, ठाकुर जो मेरे तरफ में ध्यान ही नहीं दे रहे, सखा लोग तो कह रही है चौमुआ कहाँ से आ गया, चौमुआ वाले चार मुंह वाले, इसलिए वो स्थान का नाम भी पड़ गया चौमुआ। ब्रह्मा जी देखा अभी तक तो मैंने भगवान को स्तुति करके देखा, अभी थोड़ी सी उनको ब्रजवासियों को भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। इतने में ब्रह्मा जी बोले, बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले ये ब्रजवासियों का हम महिमा क्या बताएंगे, बोले क्यों कृष्ण कौन है, ये पूर्ण है,
ये ब्रह्म है, ये सनातन है, लेकिन ये होते हुए भी देखो भक्तों का प्रेम में इतने बसीभूत हो गए, सखाओं का सखा बन करके झूठा खा रहे, माँ की प्रेम में बसीभूत होकर उखले में ठाकुर जी बन गए, गोपियों की प्रेम में बसीभूत होकर ठाकुर जी रास कर रहे हैं। कभी कृष्ण कहते गोपियां का चरण दबा दो, थक गई हो, अगर पसीना निकले तो दोपटा से भगवान पसीना को पोंछ लेते। वृंदावन में राधा रानी की चरण की सेवा की, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया सेवा को नाम पड़ गया। जब उन्होंने ब्रजवासियों का पूर्ण ब्रह्म सनातन होकर के भक्तों का प्रेम में ठाकुर जी कितने बसीभूत रहे, जब उन्होंने ब्रजवासियों का स्तुति किया ना, हे कृष्ण मुस्कुराते, ब्रह्मा को पता चला कृष्ण का कमजोर नाम है। मतलब कि अगर भगवान को खुश करना चाहते हो, कृष्ण कहते हैं मेरी सेवा से मेरे भक्तों की ज्यादा सेवा करो, मेरे से मेरे भक्तों की पूजा ज्यादा करो, सेवा करो, भक्तों की सेवा से मैं जितना संतुष्ट होता हूँ और किसी को द्वारा मैं इतना संतुष्ट नहीं होता हूँ। अरे ब्रह्मा जी बोले प्रभु अगर कोई बोले, अगर कोई ये पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकता है, पृथ्वी बारिश का बूंद को कोई गिन सकता है, लेकिन तेरी महिमा को कोई पता नहीं लगा सके। इसलिए ब्रह्मा जी ठाकुर को तीन बार परिक्रमा करके ठाकुर जी ब्रह्मा जी वहां से चल पड़े। इसलिए यहाँ पर ये कथा कौन सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इंद्र को देखो मैं भी फंस गया था। बोले प्रभु मैं प्रसन्न करूं कैसे कृष्ण को, बोले कृष्ण का नाम गोपाल, कृष्ण का नाम गोपाल जो गैया को पालन करते हैं, चलो सुरभि गाभी की आनुगत्य में हम जाएंगे, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने गैया को ठाकुर पालन करने वाले गो माता की आनुगत्य में आए तो ठाकुर जी बड़े उनको शासन में किया, बोले ब्रह्मा जी तेरे मन में अभिमान हो गया था, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, हमें बारिश देता हूँ तभी ब्रजवासी प्राण धारण करते हैं, तेरे अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ऐसे की, जिसको ऊपर मैं कृपा करता हूँ सारे उसकी मान अभिमान को मैं तोड़ देता हूँ, खबरदार कभी ऐसे अभिमान नहीं करना, बोले मेरे अपराध हो गया प्रभु माफ कर दो। तब उन्होंने ठाकुर जी को स्वर्ग से जब मंदाकिनी की नदी की गंगा की पानी लाए थे, ठाकुर जी को अभिषेक किया और ठाकुर जी का एक नाम रख दिया गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री राम। एक भजन गा लो, भजन गा सकते नहीं इस पे कोई चटपट का भजन नाचने वाला भजन बोले वृंदावन बिहारी लाल की Yeah.
Yeah.
हाथ उठा के बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परमारतम शिष्य में भक्त वेदांत श्रीधर स्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्गण नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विनाशय नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त गुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी श्रीपाद जी कृष्ण प्रभु अन्य अन्य ब्रह्मचारी हिंद वैष्णव माताएं सबके चरणों में मेरे भाई हुए प्रणाम। श्रीमद् भागवत का आज अंतिम दिवस है और कल जो गिरिराज पूजा हुई थी उसी के प्रसंग को कंटिन्यू करते हुए हमने गुरुदेव के मुखारविंद से विस्तृत रूप में सुना क्यों श्री गिरिराज पूजा इंद्र के द्वारा क्यों कृष्ण ने गिरिराज पूजा प्रारंभ करवाई और क्यों इंद्र का पूजा बंद करवाई। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने इसके पीछे कई कई कारण बताए हैं लेकिन विशेष करके एक कारण को बतलाते हैं कि कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ लीला है उनकी रास लीला। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं संति यद्यपि मेत राजा लीला का स्थान मनोहरा ना ही जाति स्मृति रासे मनोमय के दृश्यम भवे। कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी रास लीला है इसकी इतनी महिमा है ये रास लीला स्मरण करके न जाने मुझे ही क्या हो जाता है। कृष्ण स्वयं भी जब उस रास का स्मरण करते हैं ना ही जाने स्मृति रास से मनोमय के दृश्यम भवे अरे मेरे मन में भी किस प्रकार की कुतूहल हो जाता है ये कृष्ण स्वयं भी नहीं समझ पाते। और कृष्ण ने विशेष करके जब किशोर वयस से पौगंड वयस में प्रवेश किया तो उस समय पर उन्होंने रासलीला को प्रकाशित करने के लिए विशेष करके दो कार्य किए। ब्रज गोपियों को जो आकर्षित करना है तो सर्वप्रथम कार्य उन्होंने किया ये गिरिराज गोवर्धन को उठाना। श्री चक्रवर्ती पाद उदाहरण देकर बतलाते हैं मूवी के अंदर सबने देखा होगा एक हीरो किसी हीरोइन को आकर्षित करने के लिए क्या करता है कुछ गुंडों को इकट्ठा करेगा और हीरोइन के सामने और गुंडों की खूब पिटाई करेगा। पिटाई करेगा तो सर पे क्या होगा हीरोइन देखकर बहुत आकर्षित हो जाएगी बड़े बाबा ने इतना बलवान इतना होना हमने तो कहीं देखा ही नहीं। तो इसीलिए क्या होगा ब्रज गोपियां हैं ब्रज की हीरोइन ब्रज की नायिका है समस्त ब्रज गोपियां श्रीमती राधा रानी और ब्रज के नायक है श्री कृष्णचंद्र। अभी ब्रज गोपियों को अपने पौरुषत्व को दिखाकर आकर्षित करने के लिए कृष्ण ने विशेष करके दो लीलाएं करी। सबसे पहली तो ये गिरिराज गोवर्धन को उठाना और दूसरी लीला कृष्ण ने करी श्री कार्यामर्दन। एक समय पर कृष्ण जब बलदेव प्रभु ने जिस समय पर देवकासुर को मार दिया कृष्ण घर में आकर बलदेव प्रभु की बड़ी बड़ाई करने लगे कि भैया आज तो बहुत भारी काम हुआ है। बोले क्या हुआ बोले आज तो दाऊ दादा ने एक गधे को मार दिया और सब वहां पर सखा ब्रज गोपियां सब सुनकर हंसने लगे बोले क्यों दाऊ तुम क्या पूरे ब्रज में गधे मारते हुए घूमते हो। बोले ना भैया वो कोई गधा नहीं था एक असुर गधे का रूप धारण करके आया था। तो यहाँ पर बलदेव प्रभु मानो क्रोधित होकर और कहने लगे कि कृष्ण हम तुम्हारे साथ में और गोचरण के लिए नहीं जाएंगे तुम इस तरह से हमारा उपवास करते हो। और उसी दिन क्या हुआ योगवश बलदेव प्रभु का जन्म नक्षत्र उपस्थित हुआ।
तो इसीलिए आज बल्ले प्रभु नंद भवन में ही विश्राम कर रहे थे और कृष्ण अपने ग्वाल बालों को लेकर गैया को लेकर गौचर के लिए निकले हैं। अभी कालिया रिप यमुना से एक पानी थोड़ा सा अलग हटकर एक रिप वहां पर बन चुका था और उसी रिप के अंदर कालिया निवास करता था और कालिया के विष के प्रभाव से वो जल इतना विषैला हो गया था, वहां पर आसपास कोई पेड़ पौधा कुछ भी नहीं था, कोई पक्षी भी वहां पर उसके आसपास नहीं जाता। उसके विष के कारण पूरा पानी वहां पर उबलता था, इतना प्रभाव उसके विष का। कोई पक्षी भी यदि आकाश मार्ग से गुजरता तो पक्षी भी विष से क्लांत होकर उसी हृदय में गिर जाता, इतना विषाक्त पानी। उसी समय पर क्या हुआ, कृष्ण सभी गैयाओं के पीछे पीछे चल रहे थे, ग्वाल बालों का ध्यान नहीं रहा और उन्होंने जाते जाते क्या किया, ठीक उस कालिया रिप के पास में जाके और उस विषैले पानी को स्पर्श ही मात्र किया था। स्पर्श करने के बाद ही वो सब वहां पर मूर्छित हो गए, सारी गैया मूर्छित हो गए, सारे ग्वाल बाल सब मूर्छित हो गए। कृष्ण यद्यपि उनको चेतावनी करना चाहते थे लेकिन देरी हो गई। कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि से सभी को पुनः जीवन दान प्रदान किया और वहां पर सिर्फ एक कदम वृक्ष था, सिर्फ एक कदम वृक्ष था वहां पर। अभी टीकाकार प्रश्न करते हैं कि भैया कोई भी वहां पर वृक्ष जीवित नहीं था विष के कारण, ये एक वृक्ष कैसे रह गया? तब उसका कारण कहते हैं कि ये वही वृक्ष है जहां पर गरुड़ जी ने अमृत कलश रखा था। गरुड़ जी अपनी माँ विनीता को दासी पद से मुक्त करवाने के लिए जब स्वर्ग से अमृत लेकर आए थे तो उन्होंने विशेष करके चार स्थानों पर रखा। सबसे पहले तो कालिया रिप वृंदावन में, उसके बाद में उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार। ये चार स्थानों पर आप देखोगे 12 साल में एक बार कुंभ लगता है, कुंभ लगता है ना, 12 साल में एक बार कुंभ लगता है। उसका कारण यही है कि गरुड़ जी ने इन चार स्थानों पर अमृत कलश रखा था, इसी वजह से वहां पर कुंभ मेला लगता है। अभी इसी स्थान पर जो भी उन्होंने कुंभ कलश रखा था, अमृत कलश, इसी के कारण वह कदम्ब वृक्ष जीवित था। कृष्ण ने कहा चल चलो मैं जाके देखता हूँ, मैंने सुना है इसी वृक्ष के ऊपर गरुड़ ने अमृत कलश रखा था, अरे मैं लेकर अमृत कलश लेकर आ जाऊंगा, अगर होगा कुछ तो तुम लोगों को भी पिला दूंगा। ऐसा कहकर कृष्ण ने क्या किया, झट से उस पेड़ के ऊपर चढ़े और वहीं से कालिया रिप के अंदर छलांग मार दी। छलांग मारते ही पानी को 400 हाथ ऊपर उठ गया और कालिया जो पास के टापू में निवास करता था उसकी गुफा के अंदर पानी चला गया। कालिया की तो नींद खुल गई, नींद खुल गई तो आकर देखने लगा कि भैया इतना विषैला पानी है, कोई पक्षी भी जहाँ से गुजरता नहीं, और ऐसे जल के अंदर किसने क्रीड़ा करने की, किसने इसके अंदर गोता लगाने की भूल करी है। जब वो आकर देखा तो साक्षात कृष्ण वहां पर खेल रहे थे। कालिया की पत्नी वो सारी की सारी कृष्ण को सावधान करने आई थी, बोले तुम चले जाओ, हमारा पति तुम्हारे छोड़ेगा नहीं। कृष्ण भी मानो आज कह रहे कि चिंता नहीं, हम तो उनसे मिलने के लिए आए हैं, बुला लो तुम्हारे पति को भी। कालिया ने क्या कहा, वहीं पर उपस्थित होकर और कृष्ण के सामने कृष्ण को अपने सारे फण से, कृष्ण कालिया के 100 फण थे, सभी फण से एक साथ उनको दंशन करने लगा। कृष्ण के वक्त स्थान को जहाँ कोमल कोमल अंग थे उनको दंशन करने लगा। लेकिन भगवान तो स्वयं अमृत स्वरूप है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, उनको आखिर कालिया जैसे एक साधारण कृष्ण का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाए। उस समय पर कालिया ने क्या किया, कृष्ण के श्रीअंग पर चारों तरफ लिपट गया और लिपट गया, लिपट जाने से कृष्ण ने भी ऐसा वहां पर अभिनय किया जैसे कि वो मूर्छित हो गए। कृष्ण के मूर्छित होते ही सारे ब्रज के अंदर इतने अपशगुन देखे जा रहे थे, वहां पर कौवे गीदड़ सब चित्कार करने लगे, वहां पर फूल की वृष्टि होने लगी है, सारे पुरुष उनका वाम अंग फड़कने लग गया। सब ब्रजवासी इतने चिंतित हो जा रहे थे कि भैया कहीं कृष्ण में कोई विपत्ति तो नहीं आ गई, अरे हम जाकर देखें हमारा कृष्ण ठीक है कि नहीं। सब ब्रजवासियों ने क्या किया, कृष्ण के परिचर्य का अनुसरण करते करते और अभी कालिया रूप पर आ गए। कालिया रूप पर आकर देखा, कालिया ने कृष्ण को पूर्ण रूप से जकड़ रखा है, सारे ब्रजवासी वहां पर तो प्राण त्याग करने को रहे, सब प्राय मूर्छित हो गए थे। बलदेव प्रभु सभी को सांत्वना दे रहे हैं कि भैया भैया रुक जाओ, चिंता मत करो, कृष्ण अभी से वापस आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे टीकाकार कहते हैं, आपने टीवी में देखा होगा जब कृष्ण सिमंतक मणि की खोज में गए थे, द्वारका में जब रहते थे उस समय पर सिमंतक मणि की खोज के लिए जब गए हैं, गुफा के अंदर जामवंत जी की गुफा में प्रवेश किया, 18 दिन तक वहां पर युद्ध चला, कितने दिनों तक
18 दिनों तक युद्ध चला कृष्ण और जामवंत में, लेकिन समस्त द्वारकावासी बाहर खड़े रहे। जब 18 दिन तक कृष्ण वहां से बाहर नहीं आए, द्वारकावासियों ने सोचा कि भैया लगता है कृष्ण मर गए, कृष्ण तो मर गए, और द्वारकावासी वहां से पुनः अपनी नगरी में चले गए। लेकिन यहाँ पर ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम तो देखो, आज ब्रजवासी अपने प्राण त्यागने को आगे जा रहे हैं। किसी को ये विचार नहीं कि इस कार्यालय में प्रवेश करने से हम मर जाएंगे। कृष्ण की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर स्वयं अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए ब्रजवासियों को जाए। इसलिए यहाँ कहते हैं चतुर्वेदी बात कि भैया ब्रजवासियों जैसी भक्ति किसी की नहीं, ब्रजवासियों जैसी भक्ति किसी की नहीं है। वंदे प्रभु कृष्ण से कहने लगे कि कृष्ण कहा तुम एक सड़े गले सांप के साथ में खेल रहे हो, अरे देखो तुम्हारे विरह में सारे ब्रजवासी कितने चिंतित हो रहे हैं, तो जल्दी से वहां से आओ, अगर तुम्हें खेलना ही है तो मेरा एक स्वरूप है अनंत देव, अरे तुम अनंत देव के साथ में खेलो, उसके साथ में खेलना, कहां एक सड़े गले सांप के साथ में खेल के तुम सब ब्रजवासी को चिंतित कर दे रहे हो। कृष्ण ने उसी समय पर क्या किया, अपना विराट रूप धारण किया। कृष्ण अपने श्री अंग को फुलाने लगे और फुलाते फुलाते क्या हुआ, कालिया की एक एक ग्रंथि वहां पर टूटने लगी। कालिया तो वहां पर सहन नहीं कर पा रहा था, धीरे 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 जब बढ़ने लगा, कृष्ण उसी समय पर शुभ शोक धारण करके तुरंत प्रभु वहां पर उछल करके और कालिया के मस्तक पर विराजमान। कालिया अपने कणों से पुनः वापस कृष्ण को दर्शन करने के लिए आ रहा था। कृष्ण उसी समय पर क्या करते, एक फण से दूसरे फण पे, दूसरे फण से तीसरे फण पे, कालिया के सर पर जो मणि थी उस मणि के आघात से कृष्ण के चरण भी आज बड़े रक्त रंजित हो गए हैं, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है प्रभु की। एक सर से दूसरे सर पे, दूसरे सर से तीसरे सर पे, सारे ब्रजवासी देखने के इतने आश्चर्यचकित हो रहे थे, भैया ऐसा नृत्य कला तो हमने कहीं पर नहीं देखी। बहुत सारे कलाकार देखे हैं, कोई पैरों के नीचे ग्लास रख के नाचता है, कोई पैरों में परात लेकर नाचता है, कोई सर पर कलशी रख के नाचता है, कोई हाथ में आग लेकर नाचता है, कोई तलवार पर भी नाचते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कालिया के सर पर, एक सर्प के सर पर नाच करते हुए किसी को देखा है, ना भूतों ना भविष्य थी। हमें सूरदास बाबा बड़े सुंदर रूप में एक पद की रचना करते हैं, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी, बम 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 पद पद बम 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 पद की पद, बम 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 पद 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 बम 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 पद पद पद, बिन 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 विनती करत, बिन 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 विनती करत, नाग भर दुवारी, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी, शम 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 शशिकानन नाम 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 नारद मुनि, शम 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 शशिकानन नाम 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 नारद मुनि, बम 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 परिहारी, बम 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 परिहारी, सब वेदकारी, तांडव गति मंडल पर सूरदास जी ने इतना सुंदर रूप में वर्णन करते हैं, जब वहां पर कृष्ण कालिया के सर पर नृत्य कर रहे थे, समस्त ब्रज गोपियां वहां पर उपस्थित हुई, समस्त ब्रज गोपियां कृष्ण को देखकर अत्यंत आनंदित हो रही थी, उनको देखकर सब अपना मन प्राण चित्त कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। और अंतिम में वहां पर जब कालिया के सिर पर कृष्ण नृत्य कर रहे थे, कालिया की पत्नियां वे सब पहले तो बड़ी प्रसन्न थी, क्यों, क्योंकि कालिया ये उनके पतियों को भजन नहीं करने देता था। तो ध्यान देकर सुनो यहाँ पर कि भैया पति हमारा कृष्ण भजन में बाधा है, इसीलिए मर जाए तो अच्छा, कम से कम बिना चिंता के निश्चिंत होकर और भजन तो कर पाएंगे। देखो मीरा भाई यहाँ पर बड़ा सुंदर रूप में, इस समय पर क्या हुआ था, मीरा भाई का नाम सुना है सबने, मीरा भाई का नाम सुना है ना, जब मीरा भाई भजन करने लगी थी उस समय पर उसके पति, उसके जेठ, ननद, सारे घरवार खुले सब उसके विरोधी हो गए। तो मीरा भाई ने तुलसीदास जी के पास में एक पत्र लिखा, पत्र के अंदर वो कहती हैं कि इस प्रकार की परिस्थिति में मैं रहती हूँ, मेरे परिवार के सभी लोग भजन के विरोधी हैं, आप दया करके कोई उपाय बताइए, है ना, एक साधक के जीवन में किस प्रकार भजन में बाधा आती है उसका उत्तर मानो मीरा भाई हमारे लिए प्रश्न करके कह रही हो।
तो तुलसीदास जी ने उनका उत्तर देते हुए बड़ा सुंदर एक दोहा रचना करते हैं। कहते हैं जिनके प्रिय न राम बिरही तजे ही ताही कोटि पैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया श्री राम श्री सीता श्री राधा कृष्ण जिनके प्रिय नहीं है जिनके प्रिय न राम बिरही तजे ही ताही कोटि पैरी सम उनको कोटि कोटि शत्रु मान के छोड़ दो परित्याग कर दो उनका जो तुम्हें हरि भजन में तुम्हारे बाधा है उनको यद्यपि परम स्नेही बड़े ही तुम्हारे आत्मीय सज्जन क्यों ना हो बड़े ही तुम्हारे अत्यंत प्रिय क्यों ना हो लेकिन उनको कोटि कोटि शत्रु मानकर उनका परित्याग कर दो। अभी प्रश्न उठता है कि भैया शास्त्र में उदाहरण है क्या किसी ने ऐसा किया है? बोले हाँ जो तजो पिता प्रहलाद प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का परित्याग किया कि नहीं? परित्याग करना अर्थात छोड़ छाड़ दिया और कहीं वन में चले जाना नहीं हृदय से परित्याग कर दिया। प्रहलाद महाराज ने कभी हिरण्यकशिपु को पिता संबोधित नहीं किया हे असुर श्रेष्ठ हे इंद्र शत्रु हे असुर वर्य इस तरह से संबोधित करते थे कभी पिता नहीं कहा। भैया भरत महतारी श्री भरत महाराज ने कैकेयी को कभी भी मां संबोधित नहीं किया जब प्रभु राम को उन्होंने वनवास की ओर भेज दिया सब समय महारानी कैकेयी कैकेयी के महारानी कैकेयी कहकर संबोधित करते थे। विभीषण विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। तो इसलिए उदाहरण देकर बता रहे हैं कि हरि भजन में जो बाधा है उनका मन से परित्याग करते हुए क्या करो अपने भजन के प्रति निष्ठा करो। यहाँ मीरा भाई यहाँ पर नाग पत्नियां ये भी मन ही मन विचार कर रही थी कि हमें भजन तो करते देगा नहीं इसलिए क्या करो ये मर जाए तो अच्छा। लेकिन जब कृष्ण उनके चरण पर आघात कर रहे थे कार्य के सिर पर बला वो सिर्फ अपने चरण मार रहे थे उस समय पर नाग पत्नियां सोचने लगी कि अब हमारा पति भक्त हो गया है अब इसका हृदय परिवर्तित हो गया है इसलिए उन्होंने क्या किया सभी अपने बच्चों को लेकर और कृष्ण के पास में आ गए और कृष्ण के पास में आके और कृष्ण की स्तुति करने लगी है। कस्यां भावस्य न देव विद्महे तवाग्निरेरो स्पर्शाधिकारा यदवांछया श्री चरणाचरगो विहाय कामान सुचिरां त्रिवका। बड़ी सुंदर बात कह रही है ये नाग पत्नियां यहाँ पर कि हे प्रभु आपके ये जो चरण है ये चरण इतने कोमल है। ब्रज गोपियां कहती है कि प्रभु आपके चरण इतने कोमल है हम हमारे श्री अंग पर धारण करने में भी हमें कष्ट लगता है और आप वही चरण वृंदावन के भूमि पर नंगे पैर ही आप धारण करते हो। गौचारण करते करते प्रभु कहाँ पर रौद कहाँ पर धूप है कहाँ पर छाया है कहाँ पर कंकर है कहाँ पर कांटे हैं ये भी विचार नहीं करते गैया के पीछे 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 भागते रहते हैं इतने कोमल प्रभु के चरण कमल। लेकिन वही चरण कमल ब्रह्मा जी भी उसकी वांछा करते हैं शंकर जी भी चरण कमल की वांछा करते हैं साक्षात लक्ष्मी बेलवन में यमुना की पल्ली पार अगर जाकर देखोगे बेलवन में आज भी लक्ष्मी तपस्या कर रही है ठाकुर जी के उन चरण कमल की प्राप्ति के लिए। लेकिन वही चरण कमल आज आप कालिया के सिर पर बलात् दे रहे हो। कालिया नहीं चाहता कालिया अपने सर से कृष्ण के चरण कमलों को हटाना चाहता है लेकिन तब पर भी कृष्ण क्या कर रहे हैं जोर करके उसके सिर पर अपने चरण रख रहे हैं अपने चरणों की छाप दे रहे हैं। कहती है भैया कौन सा पुण्य कर्म किया इसने न जाने कौन सा पुण्य कर्म किया था कि आज ना चाहते हुए भी कृष्ण इनके चरणों पर पदाघात कर रहे हैं कृष्ण उसके मस्तक पर पदाघात कर रहे हैं न जाने इसने कौन सा पुण्य कर्म किया होगा। कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप इसे मत मारो आप इसे छोड़ दो क्योंकि हम देखने में बड़ी सुंदरी है अगर युवती अवस्था में किसी स्त्री का पति मर जाए तो फिर अन्य अन्य पुरुष उस पर गंदी नजर मारेंगे तो इसीलिए नाग पत्नियां यहाँ पर अपने बच्चों को आगे ला कर कहती है प्रभु आप इसे क्षमा कर दो आप इसे मत मारो। कृष्ण कहने लगे कि देखो हम भी इसे मारेंगे नहीं केवल मात्र इसका जो अभिमान था उस अभिमान को दूर करने के लिए ही मैंने यह लीला करी है। कालिया से जब कहा कि इशारा किया प्रभु से क्षमा याचना करने के लिए तो कालिया ने भी कृष्ण की बड़ी सुंदर रूप में स्तुति करी है और स्तुति करके वहां पर कृष्ण के श्रीअंग में उन्होंने चंदन और अग्नि का लेप लगाया कृष्ण खूब सेवा करके पुनः वापस उनको जब यमुना तीर पर छोड़ दिया तब जाकर सारे ब्रजवासी इससे मिले।
कृष्ण से समस्त ब्रजवासी मिल के अत्यंत आनंदित हुए और पुनः सब वहां पर अपने घर पर चले गए। पुरुष कार्यानंदन भगवान की पिताई गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञान विनाशस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयित हो। उपस्थित श्री जीत कृष्ण प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को कोटि कोटि दंडवत। हरे कृष्णा। अभी आपने ठाकुर जी की कालियानाग नाथन वाली लीला सुनी है, भगवान ने कालियानाग का कैसे मदन किया है। तो भगवान ने कालिया को अभय दान दिया है। श्रीपाद चक्रवर्ती कहते हैं अभयम तेन नाकृतम। भगवान की अकारण करुणा वरुणालत्व जगा तब भगवान ने कालिया को अभय दान दिया है। इसी को सूरदास जी भी कहते हैं ना, सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हूँ ना जानी, चन 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 चरण धरत अभय भयो काली, तांडव गति मुंडन बर नाचत बनवारी। इस कारण से भगवान ने उसको अभय दिया है और नागपत्नियों ने कृपा पूर्वक श्री ठाकुर जी के चरणों के ही चरणों को मांगा है। ननाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न योग सिद्धिम पुनर्भवम वा। दो श्लोक है सेम ऐसे भागवत में, एक में वांछन्ति यत् पादरज प्रपन्ना, ये कालियानाग की पत्नी कह रही है वांछन्ति यत् पादरज प्रपन्ना, ठाकुर जी आप हमें अपने चरणों की रज दे दीजिए। प्रपन्ना येन प्रपन्नौ, यहाँ प्रपन्न शब्द के दो अर्थ श्रीमान चक्रवर्ती ने किए हैं। एक प्रपन्न है नीति विरुद्ध प्रपन्ना, नीति विरुद्ध मतलब जैसे सहज प्रपन्न, जैसे सहज कृपा कर देते हैं। एक प्रपन्नात प्रपन्न, एक विशेष प्रपन्न विशेष कृपा, तो विशेष कृपा की वांछा भी कर रही है। अस्तु, इस कारण से आज मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि भागवत जी का प्राण जो है श्री रास लीला वो मैं आपको कहूं। देखिए श्री रासलीला को कहने के लिए यद्यपि योग्य तो नहीं, लेकिन रासलीला श्रीमद् भागवत जी का प्राण है। देखिए रासलीला को लेकर के लोग बहुत अनर्गल बातें करते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। श्रीमद् भागवत जी का प्राण है रासलीला भागवत के, पंच प्राण जिसको कहते हैं, पांच प्राण है श्रीमद् भागवत जी रासलीला के। 29वें से 33वें अध्याय तक ये प्राण है श्रीमद् भागवत जी की रासलीला। रासलीला को कोई साधारण व्यक्ति नहीं कहता। देखो श्रीमद् भागवत जी जब वक्ता के लक्षण बताए श्री सुखदेव गोस्वामी ने, तब उसमें लिखा है दृष्टि एन दृष्टि कला भी, जो लीला दृष्टि पहुंच रहा जिसने श्री ठाकुर जी की लीला को, श्री ठाकुर जी की लीला को गुरुदेव की कृपा से श्रवण किया है वो एक इसको कह सकते हैं। इस कारण से भी इसकी लीला का ये कंडीशन है। देखिए इस लीला को मुंह से तो एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता, बोला समझाया ही नहीं जा सकता, ये इतनी बायस लीला है। देखो एक बार एक व्यक्ति
जंगल में जा रहा था। ध्यान से सुनो भाई, एक बार एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था तो वहां पे एक नेत्रहीन संत विराजमान थे, बैठे थे, तो उनको देख करके उसका हृदय उमड़ पड़ा। तो उसने संत के चरणों में प्रार्थना की कि संत को कहा, प्रभु कल आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आ जाना। अब संत तो नेत्रहीन थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ क्या पकाओगे, क्या खिलाओगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको खीर खिलाएंगे। अब संत को बताने को नेत्रहीन थे, उन्होंने अभी तक खीर तो खाई नहीं, तो उनसे पूछा खीर कैसी होती है। तो अब संत वो व्यक्ति सोचा कि कैसे बताऊं खीर कैसी होती है, तो उसने कहा सफेद सफेद। तो अब उस संत ने कहा सफेद सफेद कैसी होती है, अब उसको बता भी वो तो नेत्रहीन है, तो अब वो सोचा कि मैं कैसे बताऊं, तो उसने कहा बगुले जैसी। अब उस संत को ये नहीं पता बगुला कैसे होता है, तो अब वो क्या करे, तो उसने हाथ की चोंच बनाई बगुले की और दिखाया ऐसी होती है। तो जैसे ही उन नेत्रहीन संत ने हाथ पे हाथ रखा, अरे राम 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 राम, इतनी बड़ी चोंच ना, इतनी बड़ी खीर, ये तो गले में अटक जाएगी भैया, हमें नहीं खानी तेरी खीर। यहीं से पड़ गया शब्द टेढ़ी खीर, यहीं से पड़ गया शब्द टेढ़ी खीर, जो हम लोग यूज करते हैं ना, टेढ़ी खीर है भैया ये तो, ये शब्द यहीं से आया है टेढ़ी खीर। तो रासलीला को कहना बड़ी टेढ़ी खीर है, पर गुरुदेव की कृपा से इसको कहना है। देखिए रासलीला पहले कुछ इसमें जरूरी बातें सुन लो। पहली बात, भगवान ने रासलीला क्यों करी, साफ साफ बात है। अच्छा ये भी बताइए रासलीला किसे कहते हैं, किसको कहते हैं रासलीला। देखिए हमारे पूज्यपाद श्री परमेश्वरी प्रभु जी इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि जब एक नायक बहुत सारी नायिकाओं के साथ नृत्य करता है तो उसको कहते हैं हल्लिशक नृत्य। लेकिन वही हल्लिशक नृत्य अनंत वाद्यों के साथ प्रस्तुत होता है उसको कहते हैं रास, उसी को कहते हैं रास। दूसरी बात, श्री कृष्ण ने ही केवल रासलीला क्यों करी, अन्य देवी देवताओं ने क्यों नहीं रासलीला करी। इसीलिए क्योंकि अन्य देवी देवता, अन्य जो देवता हैं, उन्होंने केवल और केवल उनके पास अपनी केवल एक ही स्त्री है, इसको श्रीधर स्वामी केवल एक ही नायिका है और वो देव नायक है। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण केवल एक नायक है और बहु नायिका है, बहुत सारी नायिका है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही रासलीला को कर सकते हैं। तीसरी बात, श्री भगवान ने रासलीला क्यों करी, श्री कृष्ण ने रासलीला क्यों करी, तो देखिए इसका केवल और केवल एक ही उत्तर है। हमारे परमेश्वर पिता जी कहते हैं केवल एक ही उत्तर है, गोपियां भगवान की भक्ता है, गोपी प्रेम की ध्वजा। और नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं नारद जी, यद प्रजस्या नाम गोपिका नाम, ब्रज गोपिका नाम यदा, जो ब्रज गोपियां हैं वो भगवान की सर्वोत्कृष्ट भक्ता है। तो भगवान भक्तवान शकल्प तरु है, इस कारण से भगवान ने कृपा करी, इसलिए भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए, गोपी अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने रासलीला करी है। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। अब आप लोग की आज्ञा हो तो चले रासलीला में। बोले भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान अपनी तारात्रि, देखिए इस लीला को कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा, भगवान स्वयं कर रहे हैं। आजकल रास शब्द को बहुत गलत अर्थ से लिया जाता है, बहुत इस शब्द को बहुत अनर्गल बातों से लिया जाता है, परंतु ये महत अपराध है। रासलीला भागवत का प्राण है, भगवान की परम मंगलमयी करुणामयी लीला है रासलीला। तो रासलीला में भगवान पिता रात्रि, भगवान का मन हुआ शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान ने गोपियों का मनोरथ करने के लिए रासलीला करनी चाहिए, तो पहले शरद ऋतु को भगवान ने बुलाया है। ये शरद ऋतु साधारण ऋतु नहीं है, श्री रासलीला को श्रीधर स्वामी बात कहते हैं, यह लीला जो है यह लीला से षडम आसकी, 6 महीने की लीला है ये। और उसमें रात्रि, भगवान ने रात्रि का आवाहन किया, ये साधारण रात्रि नहीं है, ब्रह्मा जी की रात्रि है, ब्रह्म रात्रौ विचार्यैव, ब्रह्मा जी की रात्रि बुलाई।
उसके बाद विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। इस रासलीला का जो चंद्रमा है वह साधारण नहीं है। जब श्री राधा रानी कुमकुम मिश्रित माथा करके श्री गोविंद के वक्षस्थल पर रखती है और उस वक्षस्थल में रखे हुए माथे में से जो प्रस्तुत होता है चंद्र, वही चंद्रमा मनसो जातस चक्षो, वही चंद्रमा है जो कि रासलीला में है। इसलिए रासलीला का चंद्रमा भी साधारण नहीं है। तो इसलिए भगवान ने सबसे पहले क्या किया, रात्रि को बुलाया, फिर चंद्रमा को बुलाया, फिर उसके बाद भगवान ने वेणुवाद किया। अब देखो नायक आ गया, श्री कृष्ण आ गए, सारा का सारा एनवायरमेंट बन गया। अब गोपियों को भगवान ने बुलाया है। अब गोपियों को देखो भगवान ने कैसे बुलाया है। निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण रहित मानसा आजक मुरण्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। भगवान ने पहले वंशी बजाई है और वंशी में से क्या शब्द निकला है, क्लीन। सबसे पहले क्लीन, वंशी में क्लीन शब्द निकला है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने गोपाल मंत्र लिया होगा ना, तो याद आ गया होगा। सबसे पहले क्लीन शब्द निकला है। इस क्लीन शब्द का अर्थ क्या है, ककारो नायिका कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपेण। ये क्लीन शब्द बजाया, यानी इस शब्द को बोल करके श्री ठाकुर जी ने श्री राधा रानी को बुलाया है पहले कि हे राधा रानी अब आप आइए और रास में प्रवेश कीजिए। तो श्री राधा रानी को बुलाया है। उसके बाद भगवान ने बंसी बजा करके सारी गोपियों को बुलाया है। अब देखो गोपियां कैसे आ रही है, दुहन्त्यो भीययो काश्र दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधी शत्र संयाव मदवाशा परायो परिवेश यद्धित्वा पारयन्तः शुशुन्वयः शुश्रूषन्निं पतिं काश्र अश्यन्योपाश्य भोजनं लिम्पन्त्य ब्रह्मजन्तुन्या अञ्जन्तिः काश्यलोचने व्यक्तस्त वस्त्राभरणात् काश्चित् कृष्णान्तिकमययोः। पहली गोपी गाय का दूध निकाल रही थी। जब दूध निकाली गाय का तो देखा आधी बाल्टी गाय का दूध निकाल चुकी थी वो। फिर एकदम से बंसी बजी भगवान की। अब बंसी साक्षात दूती बन करके गोपी के पास आई। गोपी से बोली दूध क्या निकाल रही है, चल भग ठाकुर जी बुला रहे। अब वो ठाकुर जी बुला रहे, इतना सुनते ही गोपी प्रसन्न हुई और थोड़ी सी आगे भागी। फिर देखा पीछे आधी बाल्टी दूध रखा है, वापस आई और हाथ से आधी बाल्टी दूध को बिखेर दिया। बंसी ने पूछा कि भगवान बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, पर ये जो आधी बाल्टी निकाल लिया था इसको फैला गाय को दियो। तो गोपी क्या बोली, ठाकुर जी के साथ नाचते नाचते, ठाकुर जी के साथ लीला करते करते गलती से यदि ये आधी बाल्टी दूध याद आ जाता तो उतनी देर के लिए ठाकुर जी के रस से वंचित हो जाती। इसलिए मानो सब छोड़ करके भगी गोपी ठाकुर जी के। दूसरी गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, अंजंत काशलोचने व्यक्तस्त वस्त्राभरणा। दूसरी गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, मोटा मोटा भीमसैनी काजल। जब मोटा मोटा काजल लगाई तो इतनी देर में बंसी पहुंच गई, चल रही चल, क्या काजल लगा रही है, क्या अपनो श्रृंगार कर रही है। तो ठाकुर जी की बंसी पहुंची तो गोपी तो इतनी खुश हो गई कि चलो। तो बोली अरे तैयार तो हो जा। तो गोपी जल्दी जल्दी, वो भूल गई कहां चीज क्या पहननी है, अव्यक्तस्त वस्त्राभरणात् अस्त व्यस्त वस्त्रों को करके भरी। ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर जो अंगूठी थी उसको पैर के बिछुआ बना लिए, पैर के बिछुआ को अंगूठी बना ली, दो नूपुरों को जोड़ करके हार बना लिया, हार को पैरों में ही पहन लिया और भगी। इतनी देर में बंसी ने कहा अरे ठीक थे तो तैयार है जा। तो क्या बोली, क्या बोली गोपी, गोपी बोली मेरे नंदलाल ये नहीं देख रहे कि कौन मोटी है कि कौन पतली है, कौन काली है कि कौन गोरी है, कौन काली है कि कौन गोरी है, वो तो ये देख रहे हैं कि मेरे कि इसके हृदय में कृष्ण प्रेम कितना है। गोपी भगी। एक गोपी अपने अपने परिवार को खाना परोस रही, व्यक्तस्त वस्त्राभरणात् काश्चित् कृष्णान्तिकमययोः
ही गोविंदात्मानंदन वर्तन्त मोहिता अंतर मेघला कश्चित गोप्य उपलब्ध विनिर्गमाः। एक गोपी खाना परोस रही, पूड़िया पूड़ियों की छबड़िया हाथ में ली, अपने पति को खवाई दी, बेटे को खवाई दी। कितनी देर में बंसी बोली, चल रही चल, क्या तू परिवेशन कर रही है? गोविंद बुलाए रहे हैं। तो जैसे ही बंसी बोली, वो छबड़िया फेंक करके खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ, मैं तो गोविंद देव ले जा रही हूँ। इतनी देर में गोपी भगी, एक गोपी को जाने से रोक दिया, नहीं तो नहीं जाएगी, कतई नहीं जाएगी। बोली मुझे जाने दो। बोली नहीं जाएगी। फिर वो गोपी जो छबड़िया फेंकी, उसके बाद जो गोपी को नहीं जाने दे रहे ना, तो उसने कहा अच्छा नहीं जाने देगा? बोले नहीं जाने दूंगा। अच्छा ये शरीर तेरी माता है ना, ये शरीर तेरी पुत्री है ना, ये शरीर तेरी बहन है ना, ये शरीर तेरी बहू है ना, ले मैं इस शरीर का ही परित्याग कर देती हूँ। और गोपी ने भगवान का नाम लेकर के अंतर हृदय से गोपी रास में प्रवेश कर दिया। गोपी पहुंच गई रास में। अब सारी की सारी गोपी रास में आ गई, ठाकुर जी आ गए, श्री जी आ गए। अब ठाकुर जी आए तो श्री सारी गोपियों ने ठाकुर जी के दर्शन किए। अब देखो ठाकुर जी बोले, अब गोपियों के देखो ठाकुर जी आनंद कैसे लेते हैं। अच्छा आ गई सबरी, हाँ आ गई, तुमने बुलाया तो आ गई, अच्छू काय को आ गई। अब मान लो हम लोगों को कोई इनविटेशन दे घर में कि चलो कल आ रही हो घर पे ही मिलूंगो। मान लो हम लोगों को इनविटेशन दो, अब उसके घर पहुंच जाए तो परिवार वाले पूछ रहे अरे काय को आ गए, तो इतना गुस्सा आएगा। अच्छा पहले तो बुला ही लियो, और फिर बाद में पूछो क्यों आयो। गोपी अभी पहुंच गई तो ठाकुर जी बोले क्या करने आई हो यहाँ? स्वागतम तु महाभाग प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणं ब्रजन्मेषा घोररूपा घोर सप्त निषेचिता प्रदीयात् ब्रजन्मे हस्त्रे हंसीः सुमध्यना मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च जन्मन्ति पश्यन्तु मागत्य बन्धु सत्वशम्। गोपी ने कहा तुमने पहले बुला लिया, अरे अच्छा कोई बात ना, अरे पति पुत्री है ना तुम्हारा, उनकी सेवा करो। अरे वो गाय का पति, वो कोई पति नहीं, तुम ही परम पति हो। ऐसा कहकर के ठाकुर जी से पहले सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ठाकुर जी ने रास किया है। अब ठाकुर जी ने रास किया, इतनी देर में क्या हुआ, ऊपर शंकर जी को मन कियो कि चलो जरा रास देखा। पार्वती जी से बिना पूछे शंकर जी पहुंच गए और बोले कि अच्छो ये सभी तो गोपियां हमारों का नहीं हुई है, तो क्या करूं, तो बन जाऊं गोपी, तो गोपी कैसे बनूं? तो पहले पहुंच गए सीधा अन्नपूर्णा जी के पास शंकर जी, और हुड़ुक 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 डबरू बजाते हुए श्री अन्नपूर्णा जी के द्वार पे पहुंचे और बोले अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे समस्त कार्य सिद्धार्थम भिक्षान्ते ही च पार्वती। अरे अन्नपूर्णे आप भिक्षा दे दे, तो अन्नपूर्णा जी डालने लग गई और फल कंद मूल इत्यादि। तो शंकर जी क्या बोले, अरे आज हमें ये कंद मूल फल नहीं चाहिए, आज तो तू हमें अपना स्वरूप दे दे। तो क्या किया अन्नपूर्णा जी ने, शंकर जी का सुंदर सा श्रृंगार किया, आंखों में मोटो मोटो काजल लगायो, उनको लहंगा और फरिया पहनाया शंकर जी को, हाथ में बाजूबंद पहनाए, गले में कंठा हार पहनाया, पैरों में घुंघरू पहनाए, मुंह पे पूरा का पूरा लाली लगाए और मूछों के लिए बोली मूछ टेम्परेरी नहीं है, इसलिए परमानेंट नहीं, इसलिए मूछ का कुछ नहीं कर सकती। तो ठाकुर जी ने क्या किया, तो अन्नपूर्णा जी ने ऊपर घूंघट उड़ाया और भिजवा दिया रास में। इतनी देर में शंकर जी पहुंच गए रास में बाहर और देखे तो ठाकुर जी की नजर पड़ी, बुलाया विशाखा को, विशाखा जरा यहाँ आई हो। तो विशाखा जी पहुंची, पूछा ठाकुर जी ने, अरे विशाखा देखिए सामने मोटी मोटी गोपी खड़ी है, कहां से आ गई, नंदगांव की है कि ये बरसाने की है, कि ये वृंदावन की है, कि ये घेवरवन की है, जाके पूछ के आ। विशाखा जी गई और जैसे विशाखा जी ने मुख पे से दुपट्टा हटाया तो देखा सुंदर सुंदर काजल लग रहा है, बिंदी लग रही है, तिलक लग रहा है और मांग में टीका लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ देखा तुर्रादार मूछ भी है। बोले ठाक बोले लालजू ये ना घेवरवन की है, ना नंदगांव की है, ना बरसाने की है, ना गोकुल की है, ये तो कैलाश से चलकर के स्वयं महादेव पधारे हैं, गोपेश्वर
रहे हैं, फिर उनको रात से बाहर, क्योंकि परम पुरुष स्वयं श्री भगवान ही है इसलिए उनको बाहर ही रखा। इसके बाद भगवान ने क्या किया, सारी की सारी गोपियों के साथ पहले रास किया है। जब रास किया तो उसके बाद गोपियों को बीच में मद आ गया, मद आया और चक्रवर्ती पाद लिखते मदश्च मद एव च, जिसको जिसके हृदय में मद आ गया, अहंकार आ गया तो फिर मैं निकल जाता हूँ। इसलिए भगवान रास, भगवान ने देखा, गोपियां सोची अरे मुझसे बड़ी कौन होगी, अरे ठाकुर ये मेरे संग नाच रहे, मुझसे सुंदर कौन, मुझसे बड़ी कौन। तो भगवान ने देखा मद आ गया तो भगवान छोड़ छाड़ के रास को चले गए। अंतर हिते भगवती सहसे ब्रजांगना अतपे समचारक्षर करने युद्धम, भगवान उस युद्ध के बीच में से ही अंतर ध्यान हो गए। फिर देखा गोपी ने कहाँ गए कहाँ गए, कभी तुलसी के पास जा रही है, अरे तुलसी बताना तू तो गोविंद चरण प्रिया, तू तो गोविंद के चरणों पे रहती है, कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ है ठाकुर जी। कच्छित अशोक नाग पुन्नाग मानिनी, अरे अशोक से पूछा हे अशोक मम शोक मिटा दे, अरे अशोक बता ठाकुर जी कहाँ है। सबसे पूछती भाई जब गई तो कहीं नहीं मिली, इतनी देर में राधा रानी को बहुत, ठाकुर जी राधा रानी के साथ चले गए। तो राधा रानी ने सोचा कि अगर मेरे को ही ठाकुर जी ले जाएंगे तो गोपियों को इनका दर्शन कैसे होगा, गोपियों का मनोरथ कैसे पूर्ण होगा। तो ठाकुर जी ने, तो राधा रानी ने कहा कि अब आप मुझे भी छोड़ो। तो ठाकुर जी ने राधा रानी, ठाकुर जी राधा रानी को भी छोड़ गए, क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही दर्शन होगा ठाकुर जी का गोपियों को। तो फिर क्या हुआ, सारी की सारी गोपियां और राधा रानी ने श्री गोपी गीत गाया है, जयति ते धिकम् बात करी। ठाकुर जी ने कहा कि मैं आपके ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो पाऊंगा, चलो आप महाराज करें। तो ठाकुर जी ने गोपियों के साथ महाराज किया, पादन्यासरी विजित विश्व स्मृतई भ्रूम विलासरी बच्चन मत्तई चलकुट पटई कुंडलई गंडलोलई मद्मुख्यम्यश्च कवर रसनाग्रंथे पृष्ठबद्धो गायन्तस्तटि दैवता मेघ चक्रे विनेजु। एक ठाकुर जी दो गोपी, एक ठाकुर जी दो गोपी, दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, दोई दोई गोपी बिच बिच माधव। अंगना मंगना अंतरे नंदना माधवो माधवम चांदरे नंगना इत्यमा कल्पिते मंडले मध्यगा रात्रि गोपेनुर देव की नंदना। ये पूरी की पूरी ठाकुर जी की रास लीला का फल यही है कि हृदय में काम को धीरे धीरे खत्म कर देती है। और इन्हीं शब्दों के साथ हमें ठाकुर जी और सारे की सारी गोपियां मंगल करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल्पत रुविष्ट कृपा सिंधु पतिता नाम पावन हाँ। देखो जब से सुखदेव गोस्वामी रास का प्रारंभ करते हैं ना तो सबको सावधान कर देते हैं, बोले भैया रास लीला तो साधारण मत समझो। अभी सुना रहे थे ना जो गोपियां, वो कोई लड़कियां नहीं थी, कोई लड़कियां की गोपियां नहीं थी। पूर्व पूर्व जन्म में जो श्रुति चरी, जो श्रुतियां भेद के मंत्र बड़ी कठोर तपस्या करके गोपी आई, गोपी रूप धारण की है। भगवान राम जब दंडकारण्य में गए थे, बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे,
प्रभु का रूप देख करके मुग्ध हो गए। वो गोपाल मंत्र की उपासना कर रहे थे, प्रभु का अपना पति रूप में प्रार्थना की, बोले द्वापर युग में आओ। तो ऋषि चरी, वेद चरी और स्वर्ग की कुछ कन्याएं, वो सबके सब आए हैं। ये गोपियां कोई लड़की नहीं, देखो नहीं तो लड़की होते तो शंकर क्यों गोपी बन करके फिर आए। वृंदावन में जाओगे देखोगे शंकर जी को रात को रोज गोपी वेश होता है। इसलिए गोपियां कोई लड़की नहीं है, इसलिए इनका नाम गोलव किया। बोले गो मतलब इंद्रिय, पी मतलब पीवती, जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति का जो रस को जो पान करते ये कौन है, ये ब्रज की ये गोपियां, ये कोई लड़कियां बड़िया नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी शंकर जी और शादी किए। अरे हाथ उठा, शादी नहीं किए हो आप लोगों ने, संसार को पालना पोषण करते होंगे। एक शादी करके संसार में कितने दुख कष्ट को झेल रहे हो पता होगा ना। एक लड़की शादी की, शादी करके आप देखना जब अपना ससुर घर जाती ना खूब रोती है, वो बहुत रो रही थी। इतने में परिवार वाले समझा रहे थे भैया क्यों रो रही हो, हम बीच बीच में आ जाएंगे, तुम भी बीच बीच में आ जाए हैं, इसलिए चिंता मत करो। तब भी उसका रोना बंद नहीं थी। 16,108 पटरानिया एक दिन नारद भी चक्कर में पड़ गए। बोले हे भगवान, घर में अगर एक पत्नी हो जाए ना क्या क्या, अगर घर में दो पत्नी हो गया देखो फिर तो घर में दिन भर महाभारत चलती चलती कि नहीं महाभारत। बोले झगड़ा खत्म, लेकिन जो नीचे रहती है ना, पति जब बाहर से काम करके रहती है रोटी सब्जी बना करती, पति आए तो जोर जबरदस्ती पकड़ करके नीचे ले जाती, लेकिन जो ऊपर बैठी हुई थी दिन भर परेशान, ये रोज का नाकर। बोले कल मैं दिखाऊंगा, वो भी रोसोई बना करके नीचे आकर के बैठी गई। पति जब बाहर से आए ना, बोले रोज रोज नीचे चले जाते हो, मैं ऊपर बैठी जाती, ऊपर चल नहीं हो तो कैसे। इतने में बड़े देर में जब लड़ाई खत्म हुई, देखा घर में चोर बैठा हुआ, पकड़ लिए। बोले पुलिस के पास में चलो। बोले इसको क्या सजा दिया जाए। बोले वो चोर कहता है कोई भी सजा दो देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक सजा मेरे को मत दो, मेरे घर में दो बीवी नहीं होगी। घर में गई ना, इतने में कृष्ण सत्यभामा के पास वहां पर बैठ कर बच्चों को पढ़ा रहे थे। ठाकुर जी कह रहे हैं नारद जी बड़े दिनों में आए। बोले अभी अभी तो दूसरे घर से आए, कहते बड़े दिनों में आए। जब उन्होंने हर घर घर में गए ना, ठाकुर जी को अलग अलग लीला करते हुए देखा, अलग अलग लीला। ठाकुर जी हर स्वरूप में विद्यमान। भैया अगर हमारी कोई इच्छा को पूरी कर सकता है ना, गले में तुलसी करके महीना ठाकुर जी तुम्हें इस जीवन के बाद में अपना चरण में ले करके अपना दुल्हन बना देंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, तीन काम करना पड़ेगा, गले में कंठी पहनने पड़ेगी, तिलक लगाना पड़ेगी और हरि नाम करोगे, बस फिर तो कन्या की दुल्हन बन जाओगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु जी एक सुंदर भजन सुनाएंगे।
पीछे कुछ भक्त लोग हैं, उनको बैठने का स्थान नहीं हो रही, अब लोग थोड़ी आगे आ जाओ, बीच में जो है ना जगह खाली है, थोड़ा आगे सर में उसका भर दो, फिर पीछे लोग आसान से बैठ सकते, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, पूरा पूरा सत्र में बैठ जाओ। देखो बीच में कितनी जगह खाली, देखो इधर वाले भी, इधर वाले इधर भी खाली है, उधर भी खाली है, उधर वाले को उधर ठीक से बैठो, उधर वाले इधर बता, उधर वाले एकदम पीछे है वो भी और आ गया था। हाँ ये बीच में जो खाली जगह भर लो, पीछे जो बैठे माताएं इधर आ जाइए, थोड़ी थोड़ी आगे और आ जाओ, और थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ,
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य पद महाराज जी के अभी चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनके चरणों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी स्तुति कृपा की प्रार्थना करता हूँ। सब परिकर श्री प्रभुपाद समस्त गुरु वर्गों के अभी चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे उनकी स्तुति कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि सभी मिलकर कृपा करें मुझ पर कि जो महाराज जी की आज्ञा हुई है उसका पालन कर पाऊँ और अपने आप को कुछ पवित्र शुद्ध कर पाऊँ। गत 7 दिनों से आज के दिन को मिलाकर हम श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को या श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है इसकी महिमा को हम कई वर्षों से श्रवण कर रहे हैं। कई नए लोग भी आए हैं, वह भी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण क्या है। इस महा जो पुराण कहा गया इसको, इसका जो फायदा वो मुझे कब होगा, जब मैं अपनी वास्तविकता को समझ पाऊंगा, जान पाऊंगा मैं क्या। मैं कहने का तात्पर्य ये नहीं कि मैं शरीर आत्मा वो वाला मैं नहीं, मेरी स्थिति क्या है। ये जो श्रीमद् भागवतम है इसकी जो सुंदर सुंदर कथाएं और जो अनेक प्रसंग हमने इसमें सुने, कहीं पे प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग आ रहा है, कहीं अम्बरीश महाराज जी का, कहीं ध्रुव महाराज जी का, उन सभी प्रसंगों को सुनकर मैं शिक्षा क्या लेके जा रहा हूँ अपने साथ। क्यों? क्योंकि मैं अगर मैं अपनी बात करूं, अरे मैं तो कृष्ण को चुटकियों में प्राप्त कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो 16 माला करता हूं, या मैं 32 माला करता हूं, अरे प्रभु मैं 64 माला करता हूं, अरे प्रभु मैं रोज गिरिराज परिक्रमा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। इस मैं को तोड़ने की सबसे बड़ी शिक्षा है श्रीमद् भागवत। जितने भी प्रसंग हैं, एक बार अपने आप को उन प्रसंगों से, उन कथाओं से एक बार तुलना करें। क्या मुझे प्रहलाद महाराज जैसे कष्ट मिले और मैंने हंस के सह लिए? नहीं। और मैं क्या सोच के बैठा हूं कि मैं क्या करूंगा, कृष्ण प्राप्ति, राधा, या वो छोटा सा बालक प्रहलाद वो ऐसा पिता बना कि आगे चल के उसके पूरे कुल पे भगवान की कृपा दृष्टि रही। जो प्रसंग आया वृंदासुर का, जो प्रसंग आया बलि महाराज जी का, क्या उन्होंने कोई अलग से भजन साधन किया? नहीं। वो किस कुल में आ गए? वो प्रहलाद जी के कुल में आ गए। प्रहलाद कैसे पुत्र हैं कि उनके पिता, अभी हमारे गजेंद्र प्रभु बता रहे थे कैसे संबोधन करते हैं उनको, कैसे संबोधन करते हैं, असुर श्रेष्ठ, असुर कुल चूड़ामणि, इस प्रकार से उनका संबोधन है। किसका? हिरण्यकश्यपु का। उसने इतने अत्याचार करे, इतनी दुष्ट प्रवृत्ति का, भगवान का दुश्मन, भक्तों का दुश्मन, परंतु पुत्र कैसा हुआ, प्रहलाद जैसा, तो क्या हुआ, उसको भी भगवान ने तार दिया। अभी हम जानते हैं कौन सा युग चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। इसका मतलब क्या होता है? कल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों। इतनी टेंशन क्यों पड़ी है, उम्र पड़ी है परसों, कल पे डाल देते हैं ये माला, कल कर लेंगे, माला थोड़ी रह गई कल कर लेंगे, भजन साधन कल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, उम्र हमारे पास बहुत बड़ी हुई है। एक तो ये कलयुग और दूसरा क्या है, कलह युग। कौन सा युग है? कलह का युग। कैसा कलह है? देश देश में कलह चल रहा है। यूक्रेन, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, पाकिस्तान इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, उधर से यूएसए सोच रहा है कैसे मैं पूरा क्या बन जाऊं, इस पूरे पृथ्वी का मैं राज्य कैसे कर लूं। देशों में कलह। क्या केवल देशों में कलह है? अरे राज्यों में कलह है। क्या केवल राज्यों में कलह है? नहीं। कॉलोनियों में कलह है। क्या केवल कॉलोनियों में? अरे गलियों में कलह है। गलियां छोड़ो, एक घर के अंदर ही कलह है। घर के अंदर जितने भी परिवार वाले हैं, सगे संबंधी क्या आपस में बड़े प्रेम से रह रहे हैं? हाँ, एक दूसरे को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। आह,
सास कहती है बहू को, आज तेरा मुख देखा मेरा दिन बड़ा अच्छा जाएगा। और बहू कहती है, माँ तुम्हारा मुख देख के जब उठती हूँ ना, ऐसा सुंदर दिन जाता है, क्या बताऊं मैं आपको। ऐसा हो रहा है। सास कहते देख सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। और बहू भी कहती है, ये बुढ़िया बिना चिल्लाए रह नहीं सकती क्या, कितना कलह घर में खड़ा हुआ है। अरे घर छोड़ो भाई, एक शरीर, मैं तो एक ही हूं ना, इसके अंदर ही कलह भरा हुआ है। आपस में अंदर ही विचार टक्कर मार रहे हैं, एक विचार दूसरे को मार रहा है, दूसरा तीसरे को मार रहा है, और हम सर पकड़ के बैठे, भाई करूं तो क्या करूं, इतना डिप्रेशन वाला माहौल आ गया है ना। दवाइयां चल रही है, डॉक्टर कमा रहे हैं, डिप्रेशन की इलाज चल रहा है। हाँ, बड़ी महंगी महंगी टेंशन की दवाइयां चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि हम श्रीमद् भागवत को भूले बैठे, इनकी शिक्षाओं को भूले बैठे हैं। इनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में ना खुद लगा रहे हैं, ना खुद उत्साहित हैं इनको लगाने में, और ना ही किसी दूसरे को उत्साह प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए हमारी स्थिति हो रही है। अब आज में से कोई प्रश्न कर सकता है, अरे भाई कोई ऐसा एक परिवार दिखा दो जहां श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को सही रूप से लगाया हुआ हो और कलह ना हो। है कोई परिवार? हम बताते हैं, हमने प्रश्न पूछा है तो हम ही बताएंगे। देखो हमारे घर में क्या है, सब कुछ अनुकूल है, काम वाली लगा रखी है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, बड़ा अलमारी जैसा फ्रिज है, हाँ सब कुछ है घर में, एसी ये वो सब कुछ, सारा अनुकूल वातावरण करने की कोशिश कर रखी है, पर फिर भी सब कुछ लास्ट में प्रतिकूल ही हो जाता है। वो पति सोचता है किसी तरीके से माँ को मना के रखूं, पत्नी को मना के रखूं, पर लास्ट में बेचारा फेल हो जाता है और झगड़ा हो जाता है। तो सोचो, अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं पर एंड में क्या हो जाता है, सब कुछ प्रतिकूल। पर एक परिवार ऐसा है जहां पे प्रतिकूल परिस्थितियां हैं पर अनुकूलता बनी हुई है। कौन सा परिवार है? वो है श्री शिव पार्वती परिवार। कैसा? क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा को अपने परिवार में पूरी तरीके से उतारा हुआ है। कैसे? अब प्रतिकूलता कैसी है? गणेश जी हैं, पुत्र हैं उनके, उनका वाहन क्या है? क्या है? क्या है? चूहा। और कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? और शिव जी के गले में क्या है? और माता का किस क्या सवारी है? और शिव जी की सवारी क्या है? अब इन सबको आपस में एक जगह रखोगे तो क्या हालत होगी बताओगे? क्या होगी? मोर भाग रहा होगा सांप के पीछे, सांप भाग रहा होगा चूहे के पीछे, वहां शेर भाग रहा होगा नंदी के पीछे, घर में घमासान चल रहा होगा। होना चाहिए ऐसा, प्रतिकूल चीजें हैं आपस में घर में, परंतु वहां क्या हो रहा है? वो गणेश जी क्या कर रहे हैं? वह गणेश जी की देवताओं में प्रथम पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि पिता से शिक्षा ली श्रीमद् भागवतम की, क्या कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पत्ते पे भगवान का नाम लेके गुरु वर्ग, कौन है उनके गुरु? शिव पार्वती उनके गुरु हैं, उनके हाथ में दिया, भगवान और गुरु की चार परिक्रमा कर ली, कहते हैं ये ब्रह्मांड भी इसके आगे कुछ नहीं है। वो कार्तिकेय जी भगवान का नाम लेके देवताओं का युद्ध जीत गए, और शिव पार्वती की महिमा तो हम सभी आपस में बहुत अच्छे से जानते हैं। इस परिवार से शिक्षा लो, क्या किया इन्होंने? इन्होंने की श्रीमद् भागवतम की शिक्षा को लगा। एक बात समझना, ठीक है, कल संजय प्रभु कह रहे थे ना कि क्या होना चाहिए भागवतम का फल, कैसे, जैसे हमारे एक भक्ति, हमारे एक श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित जन की उन्होंने कथा सुनाई थी, उन्होंने क्या किया, भागवतम कथा सुनते ही घर नहीं गए, उनके साथ ही चल दिए। तो कहने का तात्पर्य क्या, क्या अभी आप सबको हमारे साथ महाराज जी के साथ वृंदावन चले जाना चाहिए? समझना इस बात को। इस पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं क्या कि त्यागी सन्यासी तो है ही है, जो आश्रम है चार, कौन कौन से आश्रम है,
हम चल रहे हैं। गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यासी है। तो वो कह रहे हैं मैं क्या चाहता हूं कि मेरा एक एक गृहस्थ शिष्य गृहस्थ सन्यासी हो, उसका एक एक काम जो हो वो क्या हो, ठाकुर जी को समर्पित हो। हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी गृहस्थ यहाँ पे बैठे हैं, ब्रह्मचारी यहाँ पे बैठे हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो बच्चे हैं पढ़ाई करो, किसके लिए करो, ठाकुर जी के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। जो पुरुष भाई बहन, जो माता बहने जो जॉब पे जाती है, वो जॉब किसके लिए कर रहे हो आप, अरे हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। घर में जो अन्न बनाते हो किसके लिए बना रहे हो, ठाकुर जी के लिए बना रहे हो। जो भी कार्य कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हो, ठाकुर जी के लिए कर रहे हो। एक चीज बताना, इस पृथ्वी को, पृथ्वी छोड़ो, ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है, ब्रह्मांड किसने बनाया, भगवान ने। उसी ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी है, उसी पृथ्वी में ये इंडिया है, उसी इंडिया में ये दिल्ली है, उसी दिल्ली में ये क्या गड़ी है, उसी गड़ी में 100, 200, 250, 500, 10,000 या 1,000, 2,000 गज किसने ले लिया, पेपर पर मैंने अपने नाम ले लिया, वो जमीन किसकी है, वो ठाकुर जी की है। उस जमीन में मैं जो भी करूंगा वो किसका होना चाहिए, वो ठाकुर जी का होना चाहिए। तो जिस अभिमान से मैं अपने घर में पैर पसार के फैला के सोता हूं ना, आहा ये मेरा घर है ना, वो मेरा घर नहीं है, वो किसका घर है, वो श्री ठाकुर जी का घर है, वो श्री गुरुदेव का घर है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं रखवाली कर रहा हूं इसकी, मैं ठाकुर जी का दास हूं। और देखो समझना, इस जगत में, इस जगत में मतलब इस मटीरियल जगत में कोई दास बनना चाहता है, कोई नौकर बनना चाहता है, क्योंकि तो हमें पता है नौकर या दास की तो मट्टी बनी है, उसे पैर से कुचला जाएगा। पर उस जगत में, भगवत जगत में, भगवान के जगत में दास बनना क्या है, उपाधि। अरे वही ठाकुर त्रिलोकीनाथ, वो तड़प रहा है, वो भाग रहा है, वो चेष्टाएं कर रहा है, कैसे मैं राधा रानी का दास बनूं। वो महाप्रभु उसी राधा दास से मुझे बताने आए कि वो, मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं राधा रानी का दास बनने की कोशिश। वहां दास एक उपलब्धि है, तो हम क्या करें, हम उन ठाकुर जी के दास बन जाएं। कपटता बिल्कुल, कल कपटता की बात सुन रहे थे ना, संजय प्रभु बता रहे थे कपटता नहीं, तो एक प्रसंग थोड़ा सा दिमाग में ऐसे ही आ गया कपटता पे। उन्होंने एक सुनाया, एक छोटा सा मैं भी सुना देता हूं। एक बार क्या हुआ, बड़ा दंभीर अभिमानी मेरे जैसा गुरुदास था, कैसा मेरे जैसा, क्या गुरुदेव सब कुछ आपका है, आपके चरण कमल मेरे हैं, इसकी सेवा मेरी है, ऐसा अभिमान। तो गुरुदेव को घर पे बुलाया, सदैव यही चिल्लाता रहता था। एक दिन गुरुदेव ने सोचा कि चलो भाई इसको भी कृपा करते हैं, इसके घर हो आते हैं। तो जैसे ही घर पे पहुंचे, देखा 5,000 गज पे कोठी बना रखी है, कोठी क्या बना रखी है, महल बना रखा। ऐसे देखा गुरुदेव ने, पहले तो लेके कैसे गया, सबसे महंगी गाड़ी लेके आया, उसमें बिठाया। तो गुरुदेव देख रहे, बच्चा ये गाड़ी किसकी है, गुरुदेव आपकी ही गाड़ी है, केवल चरण मेरे, बैठी गाड़ी पर बिठा के ले गई मैं। फिर घर पे उतारा तो घर देखा, अरे ये आलिशान महल किसका है, अरे गुरुदेव ये सब आपका है, आपके चरण केवल मेरे हैं, उसकी सेवा केवल मेरी है। अंदर आया तो गुरुदेव जैसे ही चलने लगे, अरे ये बड़ा ही कोमल कारपेट है, अरे गुरुदेव विशेष करके यूएसए से मंगवाया, आपके लिए आपका ही कारपेट है, ये सोफा आपका, ये झूमर आपका, ये एसी आपका, ये सब कुछ तो आपका गुरुदेव, केवल क्या है, चरण मेरे हैं, उन चरणों की सेवा मेरी है। तो गुरुदेव ने कहा, यार कितना निष्ठावान शिष्य मैंने तो नहीं देखा, थोड़ी सी टेस्टिंग कर लें। अच्छा एक चीज बताओ, उसे बोलते हैं, अच्छा बच्चे एक चीज बताओ, मैं सोच रहा हूं प्रचार कार्य में ना आने जाने में बड़ी दुविधा होती है, ट्रेन बस ये गाड़ी ले लो, अरे गुरुदेव आप ही की है, अरे क्या बात कर दी, आप ही की है, आप ले लो, ठीक है। ऐसा है हमारे यहाँ मठ में बड़े भक्त लोग आते हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, मैं ये गलीचा देख रहा था, अगर हम उस हॉल में बिछा देंगे ना तो भक्त लोग आराम से बैठ सकते हैं, हरी कथा सुन सकते हैं, इस पे बाद में सो। अरे गुरुदेव कहने की क्या बात है,
आपका ही है, सब आप ले जाओ। मैं सोच रहा हूँ एसी, अरे गुरुदेव जी भी आपका, झूमर ठाकुर जी, अरे गुरुदेव आप बोलो क्या, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। फोन किया, ट्रक के ट्रक लग गए, सारा सामान लोड हो गया। गुरुदेव जी सोच रहे हैं ऐसा शिष्य न भूतो न भविष्यति, क्या बात है, सोच रहे हैं इसका भी नाम कहीं ना कहीं किसी गुरुदास में लिखवाना पड़ेगा। वाह, ऐसा शिष्य है, सबको मिल जाए तो कितना सुंदर हो जाए। तो गुरुदेव कहते, देख भाई बहुत अच्छा लगा, तू फले फूले भक्ति करे, भजन करे, सब कुछ अच्छे से करे, अच्छा अब हम चलते हैं अगले प्रोग्राम में। तो कहते गुरुदेव ये तो नाइंसाफी हो गई, मतलब कहते ऐसा है, जो आपका था सब आप ले गए, अब जो मेरा है वो मुझे दे दो। कहते समझा नहीं, अंदर से गया कटार ले आया। अब आगे तो समझ ही गए होंगे। कहता गुरुदेव जो मेरा है वो मैं कैसे छोड़ दूं, आपने अपना कुछ छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, मैं कैसे अपना छोड़ दूं, ये चरण कमल मेरे हैं, ये मुझे दे दो, इनकी सेवा मेरी। गुरुदेव कहते भाई ये चरण कमल सर पे लेके दौड़ो यहाँ से, कैसा शिष्य है, न भूतो न भविष्यति। वो ऐसा शिष्य नहीं बन, हृदय से अगर बोला है कि गुरुदेव ये आपका है तो आपका है। हम बड़े उससे बोलते थे, अरे गुरुदेव मैं पूरा आपका, मैंने आपको अपने आप को चढ़ने में दे दिया है, फिर भी हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, क्या गुरुदेव से सलाह लेते हैं कि क्या मैं ऐसा भजन में करूं, क्या मैं ऐसा करूं, नहीं, अपनी अकल लगाएंगे और फंसेंगे और फिर बाद में गुरुदेव के पास लोग आएंगे, गुरुदेव गुरुदेव बचा लो, फिर मैंने सोचा गुरुदेव बोलते भाई अब किससे पूछ के किया था? तो कैसे बने हम वास्तविक से, हम जो प्रणाम करते हैं, प्रणाम का तात्पर्य क्या है, ये मस्तक हम क्या करते हैं गुरु चरणों में लगाते हैं, कहने का तात्पर्य क्या, ये जो मस्तक है दो चीजों का प्रतीक है, समझना, एक क्या है, अहंकार, मैं अब से क्या हूं, मेरा अहंकार क्या है, मैं इन चरणों की सेवा करूंगा, जिस पथ पे ये चरण चल रहे हैं मैं भी उसी पथ का आनुगत्य करूंगा। और दूसरा क्या, ये जो बुद्धि बैठी है ना सर के अंदर, अब ये बुद्धि कैसे चलेगी, हे गुरुदेव जैसी आप चलाओगे ऐसी ये बुद्धि चलेगी। तो इसीलिए हम सब क्या करें, इस भावना से, इस प्रकार से हम क्या करें, हम शरणागत हों, बाह्य रूप से नहीं। महाप्रभु ने कह तो दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को, क्या कहा, अंतरे कृष्ण निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार, लेकिन मेरे जैसा कपटी क्या कर रहा है, उल्टा, बाह्य कृष्ण निष्ठा गुरु निष्ठा, अंतरे लोक व्यवहार, अंदर मैंने अपने आप को, अपने संसार को भर रखकर। हम जब भी भोग लगाए, गुरुदेव को अर्पण करें, कोई दीदी मुझसे पूछती, कोई प्रभु जी मुझसे पूछता, अरे गुरुदेव के लिए क्या लेके जाए, गुरुदेव को क्या दे, उनके पास किसी चीज का अभाव नहीं है। हमारे गुरुदेव भी एक बार बोले, विदेश से आए, उनकी स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हॉस्पिटल से ठीक होके गए, बॉम्बे की फ्लाइट लेनी थी, वापस आए, फिर एक आधा दिन हॉस्पिटल में रहे, फिर बॉम्बे पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही क्या, कथा में वो रिकॉर्डिंग भी है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव, कह रहे हैं ये मत सोचना है इस बुढ़े को दो वक्त की रोटी मिलती नहीं आश्रम में, मेरे पास एक अमूल्य धन है, क्या है, एक अमूल्य धन है, मैं उसको देना चाहता हूं तुमको। तो कभी ये मत सोच लेना कि मैंने गुरुदेव को ये चढ़ाया, मैंने गुरुदेव के लिए वो किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया तो मैं कुछ हो गया, याद रखना कुछ नहीं हुआ, मैंने गुरुदेव से लिया क्या, मैंने लिया क्या गुरुदेव से, मैंने गुरुदेव से हरि नाम लिया क्या, मैं उसे रो रो के करता हूं कि हे गुरुदेव इस हरि नाम ने तो ध्रुव महाराज जी को 6 महीने में दर्शन करा दिए, हाँ ये गोपी की कभी हमने सुना, गोपियां क्या कर रही हैं, एक तरीके से नाम कीर्तन ही तो कर रही हैं, इकट्ठी रो रही है, किसके लिए रो रही है, कृष्ण के लिए रो रही है, वो कृष्ण कैसे उपस्थित हुए, अपने गल वस्त्र को हाथ में पकड़ के अपराधी के भांति उनके सामने आ रहे हैं और सोच रहे हैं आहा मैंने इनको क्यों छोड़ दिया, क्या हम उस प्रकार से रो पा रहे हैं, वो रोना क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि संबंध नहीं हुआ,
संबंध क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सही रूप से साधन अर्थात सेवा नहीं हुई है। तो ये कैसे होगी? जब हम इनके अनुगत्य में इन शिक्षाओं को, इन भागवत शिक्षाओं को हम सही रूप से लेंगे, अपने जीवन में लगाएंगे। ये मत सोचना कि हम गृहस्थ हैं, हम तो घर बार में, ये हमारे पास एक बड़ा ना अच्छा फॉर्मूला है। हम जैसे कुछ कहते हैं ना कथा में, बाद में हमारे पास आते हैं, प्रभु जी हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम कैसे करेंगे। अरे गृहस्थ को तो देखो, अमरीश महाराज कैसे गृहस्थ हैं, गृहस्थों को बड़ी जल्दी भगवान मिले हैं। तो भगवान किसको मिलेंगे? जो हृदय से, प्रेम से क्या कर रहा है, हरि गुरु वैष्णव की जो सेवा में लगा हुआ है, उसे भगवान की सेवा निश्चित रूप से मिलेगी। तो हम क्या करें, हम ऐसे गुरु वर्गो की, ऐसे वैष्णव जनों के सदैव आनुगत्य में रहें। एक छोटी सी बात बस बता देता हूं, कृष्ण आज से, भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पूर्व उन्होंने लीला करी। जब वो गए तो क्या किया उन्होंने? भागवत महात्म्य में एक श्लोक आता है, कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सहा। अरे कृष्ण तो गए अपने धाम, अपने साथ क्या क्या ले गए? धर्म और ज्ञान को अपने साथ ले गए। तो क्या हुआ? कलो नष्ट दृष्टामेश्वर, ये कलयुग कैसा हो गया, अंधकार छा गया। ये नहीं पता चलता क्या सही है क्या गलत है। आपको क्या भक्ति में आने से पहले, ये गुरु वैष्णवों की शरण में आने से पहले ये पता था भगवान कौन है, क्या चीज सही है क्या गलत है, पता थी नहीं? तो ऐसा अंधकार फैल गया। तो कह रहे हैं उस अंधकार में श्रीमद भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ। भगवान ने भगवत गीता में कहा ना, क्या कहा, यदा यदा ही धर्म से ज्ञान भक्ति भारत अभ्युत्थान धर्म से ये सुना हुआ है हमने महाभारत के पहले, जो टीवी पे महाभारत आते थे उसके पहले ये दो श्लोक को आते ही आते थे, श्लोक वहीं से याद करे पर कभी मीनिंग नहीं समझ में आया। तो भगवान उसमें खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जब भी धर्म की हानि होगी मैं स्वयं आऊंगा। तो भगवान ने क्या किया, इस कलयुग में श्रीमद भागवतम के रूप में अवतार लिया। श्रीमद भागवतम हमें समझ में नहीं आ रही थी तो भगवान ने एक और अवतार लिया। क्या अवतार लिया? कृपा अवतार, भगवान की कृपा मूर्ति। कौन है वो? है श्रीराज गुरुदेव, भगवान की कृपा मूर्ति, भगवान का कृपा अवतार। वो विशेष अवतार इन्हीं गुरु वैष्णवों के रूप में आया। ये भागवतम ले लेके क्या कर रहे हैं, देखो घर घर जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। क्या इनका कभी दिनचर्या सुनी है? हम तो 7 दिन के बाद 2-3 दिन रेस्ट करेंगे, थकान उतारेंगे, पर क्या कभी इन लोगों, इन वैष्णवों की, गुरु वर्गों की दिनचर्या देखी है? इस भागवतम को लेके, इस भागवतम की शिक्षा को लेके जगह जगह जा रहे हैं और मेरे जैसा मूर्ख क्या कर रहा है, सोच रहा है 7 दिन का मेला लगा है, चलो मेले में खाएंगे पिएंगे नाचेंगे कूदेंगे और क्या होगा, आनंद मचाएंगे। नहीं, इनकी हम मतलब कभी कभी सोचता हूँ, हम पूछते भी हैं आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, ये देखो ये दिव्य है, ये भगवान की कृपा मूर्ति है, ये ऐसा कर सकते हैं, परंतु फिर भी कम से कम मेरा कुछ दायित्व तो बनता है। जिन शिक्षाओं को ये इतने परिश्रम से, इतने मेहनत से ले रहे हैं, क्या मैंने उसको लेने का प्रयास किया? जैसे कल संजय प्रभु कह रहे थे ना कि कुछ लेने आते हैं तो कुछ लेने के लिए लाए हैं हम, प्रसाद ग्रहण, प्रसाद संग्रह करने के लिए तो पेट है, और पेट नहीं है तो पॉलिथीन भी है, परंतु क्या वो हरिकथा संग्रह करने के लिए मेरे पास कुछ है? मेरे को भगवान ने 2 कान दिए, पर साथ साथ में जो लिखे पड़े हैं उनके हाथ में पेन कॉपी होनी चाहिए, 4 बातें नोट कर लेते हैं और उनको जाके घर में जाके हम क्या करेंगे, हम लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा अगर आपने किया तो निश्चित रूप से आपका परिवार भी वो शिव पार्वती जैसा परिवार निश्चित रूप से बन जाएगा। ये श्रीमद् भागवतम का आशीर्वाद है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि कृष्ण हरे कृष्ण जोड़ कर बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
लोगों ने 7 दिन तक भागवत कथा सुनी है। नियम है भागवत कथा से कुछ ले, इसलिए जो एकादश स्कंद है जिसमें नैमी और नवयुगेंद्र संवाद में वहां पर बताए हम जीवन में कैसे ये भक्ति को उतार सकते हैं, प्रभु की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं। एक समय द्वारका में बहुत बड़ी एक यज्ञ हो रहा था जिसका नाम था विश्व शांति महायज्ञ। बोले यज्ञ में कौन कौन, बोले साक्षात भगवान कृष्ण, दाऊ भैया, उनकी 16,108 पटरानियां, जिसमें देवगिरी वसुदेव, बड़े धूमधाम से यज्ञ हो रहे थे। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा स्वाहा। नियम है जब कोई यज्ञ प्रारंभ हो जब तक उसकी पूर्णाहुति नहीं हो जाए बीच में बंद नहीं करनी चाहिए, पर यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। लेकिन जब यज्ञ हो रहे थे ठीक बीच में देखा आकाश से एक ज्योति उतर थली आ रहा है। देखा भैया ज्योति कहाँ से आ रहा है, धीरे धीरे वो ज्योति जब नीचे आया देखा वो ज्योति नहीं, वो श्री नारद जी। नारद जी को दर्शन करते ही वसुदेव महाराज इतने प्रसन्न हो गए, बोले यज्ञ तो बंद कर, यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो काम के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ का फल तो स्वयं आ गया। तब नारद जी को जिस सिंहासन में स्वयं ठाकुर जी बैठते हैं उसी सिंहासन में नारद जी को बैठा दिया, उनकी चरण में पूरा द्वारका वासी बैठी गए। तब वसुदेव महाराज जी कहते हैं बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिना मुख्यण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। देखो क्या कहते हैं, बोले एक तो ये मानव शरीर दुर्लभ है क्योंकि 84,00,000 भ्रम के ये नरतनु देही है, लेकिन ये दुर्लभ मानव जन्म में सबसे क्या दुर्लभ है, बोले तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। अगर जीवन में कोई संतों का कोई भक्तों का दर्शन हो गया ना, समझो हमारी जीवन धन्य हो गया, ये जीवन हमारी सार्थकता हो गया है। क्योंकि जब भक्तों के बगैर कभी भगवान मिल नहीं सकते, इसलिए श्री हनुमान जी जब लंका में माता सीता को ढूंढने के लिए पहुंचे, जब उनको विभीषण को साथ में साक्षात्कार हुई, विभीषण को जब पता चला ये हनुमान कौन है, राम के प्यारे भगत हैं, विभीषण क्या कहता है, बोले आज मोय भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता, जो रघुवीर मोहे अनुग्रह किनी तो मई दरस दिन। आज लगता है मेरे ऊपर में प्रभु राम की पूरी कृपा होगी, क्योंकि जब तक प्रभु राम की कृपा नहीं होना तब तक उनकी भक्तों का दर्शन नहीं मिलता है। जब उनकी भक्तों का दर्शन हो गया ना, सबके ठाकुर मिल गए, ठाकुर जी मिल गए। इसलिए जब श्री वसुदेव महाराज कहते हैं भगवत दर्शन से भी ज्यादा महत्व संतों का दर्शन है, क्योंकि ठाकुर को तो घर में हम पूजा सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी हमसे कुछ बोलते हैं, ठाकुर जी कभी कुछ बात किए हैं, ठाकुर जी कभी नहीं करते हैं, बहुत बात करते हैं, संत लोग बात करते हैं, हैं संत लोग कहते हैं नाम करो भजन करो जीवन दुर्लभ है। बोले आज हमारा जीवन धन्य हो गया। तब उन्होंने उनको प्रश्न किया, कौन वसुदेव महाराज नारद जी को प्रश्न करते हैं आप कृपा करके बताओ जीवन में शांति सुख कैसे मिलेगा। देखो हम जीवन में जो कुछ करते हैं इसका एक उद्देश्य है शांति कैसे मिले, पढ़ाई लिखाई जो कुछ नौकरी चाकरी उद्देश्य क्या है जीवन में शांति कैसे मिलेगी। देखो ये अरब खरब रुपया की ये प्रश्न है। इतने में श्री प्रश्न सुन करके नारद जी कहते हैं भैया संसार में फिर अशांति भी, संसार में दुख का कारण क्या है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई पैसा से दुखी दुखी क्यों। दुख का एक कारण है बोले भयम द्वितिया विनिवेश अपेत विपर्जय स्मृति। सारे दुख का एक ही कारण है हम जो भगवान की संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ठाकुर की संतान, तुमेव माता च
पिता तुम्हें वो जो असली जो पिता माता को हम भूल गए, जगत में नकली पिता माता परिवार हमने बना दिया। सारे दुख का जड़ यही है, भगवान को भूलने का वजह से। फिर भैया फिर क्या करना पड़ेगा? बोले तस्य स आत्मा गुरुदेव तात्मा। इसलिए पहले हमें किसी सदगुरु का चरण हमें आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनो गुरु भवनी भी तरई न कोई, जो बिनी की शंकर सम होई। ब्रह्मा शंकर जी के बराबर बन जाओ, लेकिन अगर जीवन में किसी सदगुरु का चरण आश्रय नहीं करो, संसार से पार नहीं हो सकते। लेकिन गुरु जी के चरण में आश्रय लिया, फिर करना किया। कोई कोई कहते ना, भक्ति तो बड़ा कठिन है। हाँ, ध्यान देके सुनो, बड़े काम की बात है। बोले भक्ति तो भजन तो बड़ा कठिन है, लेकिन यहाँ पर नारद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। बोले भक्ति जैसे सरल चर्ची की, जगत में कुछ भी नहीं है। जगत में अगर सबसे कोई सरल चीज ठाकुर का भजन। बोले भजन कहते हैं किसको? आप मेरे तरफ में देखो, अच्छे तरह समझ जाओ भजन क्या है। जैसे मानो यहाँ पर कोई एक चीज रखी हुई, यहाँ को इसको उठा कर यहाँ पर रख लेना, यही भजन। और भजन कुछ नहीं है। बोले भाई हमारे समझ में नहीं आई। बोले देखो, जीवन में जो कुछ करते हो वही करो, जो कुछ जीवन में करते हो वही करो, करना तो वही, लेकिन थोड़ी सी भाव को बदला दो, इतनी सी, और कुछ नहीं। तो कितना भावग्राही जनार्दन, केवल भाव को बदलना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी चाकरी करो, क्योंकि पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा के बगैर तो कुछ होने वाले नहीं। लेकिन जो पैसा कौन है? लक्ष्मी। बताओ लक्ष्मी हमारी ना लक्ष्मी नारायण जी है। ये चीज को केवल याद करना, लक्ष्मी ठाकुर जी की लक्ष्मी है। पैसा नहीं होता तो बताओ इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ हो सकती थी? रोज आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था होता है। पैसा नहीं होता तो भाई प्रसाद की व्यवस्था हो सकती नहीं है? पैसा के बगैर कुछ भी होने वाले नहीं। इसलिए खूब पैसा कमाओ, लेकिन ये चीज को याद रखो, पैसा लक्ष्मी है, और जो लक्ष्मी है वो ठाकुर जी की, नारायण की, उनकी सेवा के लिए तुम पैसा कमाओ। इसलिए पहले मैंने बताया था ना, लक्ष्मी की दो वाहन है, एक उल्लू वाहन और एक गरुड़ वाहन। जब लक्ष्मी को हम घर में बुलाते हैं अकेले, क्यों? माँ लक्ष्मी आओ, बोले किसी ने, बोले भोग करके तुम खाएंगे पिएंगे मजा उड़ाएंगे। बोले तू मेरे को भोग करोगे? मैं तो भगवान की ठाकुर जी की हूँ। फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ कर गाएंगे, फिर तब ये उल्लू बना दिया है। लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी ठाकुर जी की है। बोले माँ लक्ष्मी आओ, क्योंकि आपके बगैर ठाकुर की सेवा कैसे होगी? अगर ठाकुर जी की सेवा करने के लिए बुलाना, आप देखना उल्लू को ऊपर में तो लक्ष्मी अकेली बैठी हुई होती है, आप गरुड़ को पीठ ऊपर देखना, वो माँ लक्ष्मी के भी अकेली बैठी नहीं होगी, वो नारायण को साथ में बैठी है। किसको साथ में? नारायण को साथ में बैठी है। जब घर में लक्ष्मी को बुलाओ ठाकुर को सेवा के लिए ना, ठाकुर जी गरुड़ को ऊपर बैठ कर आएंगे, वो उल्लू को ऊपर बैठेंगे नहीं, हमारी घर नहीं, हमारी घर को गोलोक वृंदावन बना देंगे। गोलोक वृंदावन ठाकुर जी बना देंगे घर को। इसलिए पैसा कमाओ ठाकुर को सेवा के लिए, बढ़िया बढ़िया घर में रसोई बनाओ, शाही पनीर, मटर पनीर, राजमा चावल, जितने बढ़िया 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 रसोई बनाओ। लेकिन याद रखो हम रसोई क्यों बना रहे हैं? ठाकुर जी की भोग लगेगा, ठाकुर जी को सेवा लगेगा। इसलिए उपनिषद कहना है कि सर्वमिदं यत्किंत्या जगत्या जगत्। उपनिषद कहता है कि दुनिया हमने नहीं बनाई, दुनिया ठाकुर ने बनाया, दुनिया ठाकुर जी का है। कहते ना, उसकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलती है। रसोई बनाओ, लेकिन किसके लिए? बोले ठाकुर को भोग लगे, क्योंकि दुनिया उसी की है। उपनिषद कहता है जो व्यक्ति घर में रसोई बनाते हैं लेकिन ठाकुर को भोग नहीं लगाते हैं, ये उपनिषद कहता है स्वान बिष्टा समचरण, वो दाल चावल नहीं, वो कुत्ते का बिष्टा है। नीर मतलब पानी, वो मदिरा के समान, मूत्र के बराबर है। कृष्ण गीता में कहते हैं भुंजते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकरणाथे। और जो मेरे लिए नहीं बनाते हैं, खुद खाने के लिए बनाते हैं, हर ग्रास ग्रास में पाप भोजन करते हैं। इसलिए खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, लेकिन किसके लिए बनाओ? ठाकुर जी के लिए बनाओ, ठीक है ना?
भगवान के लिए बनाओ, प्रसाद पाओ। सुदामा का कथा सुनाए ना, सुदामा ठाकुर जी के बिना दिए खाए तो दारिद्रता घर में आई, लेकिन घर में लक्ष्मी कब आई? जब फिर ठाकुर जी को दर्शन के लिए गए, दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दे दिए। घर में ठाकुर को भोग लगेगा तो लक्ष्मी घर में छुपा छुपा करके तुमको पैसा दे करके जाए। घर को साफ करो, लेकिन घर किसने दिया? ये घर नहीं, ठाकुर का मंदिर है। जैसे गोपियां भी तो घर में रहती थी, लेकिन घर में झाड़ू लगाती थी, लेकिन क्यों झाड़ू लगाती थी? बोला अगर घर में कहीं धूल पड़ा हुआ होगा ठाकुर जी के चरण में नहीं लग जाए। ये घर नहीं, ये ठाकुर जी के मंदिर है। हाथों में सेवा करती थी, हाथों में काम करती थी गोपियां, लेकिन मुंह में ठाकुर जी की नाम लेती थी। बोले गोविंद दामो धरमाधवेती, गोविंद दामो धरमाधवेती, गोविंद दामो धरमाधवेती, गोविंद दामो हाथ में काम करो और मुंह में ठाकुर का नाम लो। बच्चे को भी थपथपी लगा करके सुलाती थी ब्रज गोपियां, लेकिन बच्चे को तो थपथपी लगा करके सुलाती थी, उत्तर क्या बोलती थी? गोविंद दामो धरमाधवेती। इसलिए हर काम में गोपियां सब कुछ ठाकुर जी की सेवा के लिए करते थे। बोले भगवान की भक्ति सबसे सरल है, सब कुछ करो लेकिन भगवान की भक्ति में जोड़ करके करो, भक्ति को छोड़ करके नहीं। बोले विशेष करके कलयुग में भक्ति कैसे करेंगे? भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय दिया। जानते हैं कलयुग का जीव इतने कठिन काम कर ही नहीं सकता, इसलिए ठाकुर जी बोले भैया कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी धारा उतरे भारा। कलयुग में केवल हरि का नाम जप करो और ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं। इसलिए महाप्रभु को जब भक्त लोगों ने निमंत्रण दिया, महाप्रभु क्या बोले? बोले सबको घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करोगे प्रभु? बोले जो लखपति बनेगा। लखपति मतलब जो 100,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं, वही असली लखपति। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम कोई मुख्य रूप में ठाकुर जी साधन बताए। देखो हर साल में एक सुंदर कहानी सुनाता था, चार ही गोवों की कथा था। याद है कि नहीं सबको? किसको किसको याद है? हाँ करके तभी और एक बार सुना देता हूँ, ध्यान देकर सुना। इसी कथा से आप सोच नहीं सकते मैं कितने लोगों को परिवर्तन कराया। जिन्हों को ये कथा सुनाई ना, वो प्रभु का भजन में लग गए, प्रभु की भक्ति में सबके सब लग गए। और एक बार सुना देता अल्लाह ध्यान देकर सुनो। और ये कथा सुनाने के बाद मैं किसको पूछ भी सकता हूँ, जो बोलेगा उसको तो मैं इनाम दूंगा, और जब नहीं बोल पाऊंगा ना बीच में खड़े कर दूंगा। अच्छे तरह से एक मन से सुनो। बोले एक समय कोई एक राजा था, कहते राजा के चार ही पत्नियां थी। कितना पत्नियां थी? चार। राजा की जो बड़ी रानी थी, राजा जीवन में सबसे ज्यादा उसको प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, वो चार रानियों में देखने में सबसे ये थी सुंदरी। इसलिए राजा क्या करता था, जब नगर घूमने जाता था वो रानी को सदा सदा करके बैठा लेता था और दुनिया को दिखाया करता था ये रानी मेरी कितने सुंदरी है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी, वो खूब मीठी मीठी बोली बोलती थी। सब लोग चाहते हैं ना घर में आने पर पत्नी इतने सुंदर मीठी मीठी बोली बोले, दिन भर परिश्रम हमारे लाघव हो जाए। इसलिए राजा जब घर में आता था, वो तीसरी पत्नी को पास में बैठ करके उसकी मीठी मीठी बोली सुनता था और मन में खुश जाता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी, है तो बड़ी अच्छी प्यारी, लेकिन जब से राजा उसको घर में शादी करके लाया, तब से रानी को साथ में कोई भी उसने मतलब नहीं रखा, घर की कोने में उसने फेंक करके रखा। बेचारी बड़ी दुखी, शादी करके लाया
लेकिन जीवन में मेरे को कोई पूछता भी नहीं, मेरे पास में सारी साबुनते ले ली। अभी राजा की अंतिम समय आ गया, मरने का समय आया। देखा मेरे चार चार रानियां, इनसे प्रश्न करके देखता हूँ कौन कहाँ तक मेरे साथ में चलती है। सबसे पहले बड़ी रानी के नंबर आए, बताओ तो बड़ी रानी कौन थी? इतना जल्दी भूल गए हो? अभी अभी कथा बोलते बोलते बाद में याद क्या रखो। बड़ी रानी कौन थी? राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को देख कर खुश रखता था। राजा पूछे, रानी तो मेरे साथ में चलोगी? अंतिम समय आ गया। बोले तेरे साथ में एक कदम भी मैं नहीं चलूंगी। बोले क्यों? तेरे को जो मैं इतना प्यार की जो मांगती थी वही देता था। बोले तेरा कर्तव्य, बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरे प्रति नहीं। इसको सुनकर तो राजा को तो बड़ा दुख मिला। अभी सोचा दूसरी रानी से पूछ करके देखता हूँ। दूसरी रानी कौन थी? बोलो जोर से, जो सुंदर थी। राजा जिसको सदा सदा करके बैठा करके दुनिया को बिताया करता था। बोले रानी तू क्या करोगी, साथ में चलोगी? बोले चलोगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे? बोले पहले तो तू दुनिया को दिखा करके मेरे को देख रेखा, मैं कितने सुंदरी, जहां जाऊंगी वही मेरे को पसंद कर लेगा। राजा को तो चरण से जमीन खिसक गया, क्या देती। राजा भी तीसरी रानी से पूछा, तीसरी रानी कौन थी? जो मीठा मीठा बोली बोलती थी, जिसको बोली सुनकर बड़ा खुश रहता था। बोले रानी तू क्या करोगी? वो थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले राजा तेरे साथ साथ में तो चलूंगी, लेकिन एक दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे? बोले तू अगर ज्यादा बोलोगे ना, चार कदम तो चौपट से आगे मैं चल सकती हूँ, लेकिन आगे तेरे साथ में बढ़ने वाले मैं नहीं। बोले भैया तुम भी किसी काम की नहीं, दरवाजा तक चलना थोड़ी कोई चलना है। अभी चौथी रानी की नंबर आई, चौथी रानी कौन थी? राजा शादी करके लाए तो करते, लेकिन जब से शादी करके लाए ना, तब से उसके साथ में कोई मतलब नहीं रहता। कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल लेके नहीं। राजा तो पहले सोचा पूछूंगी नहीं, पूछू क्यों? जिसके लिए करोगे तो उसको पूछोगे ना, जिसके लिए करोगे नहीं उसको क्या पूछोगे। लेकिन राजा सोचा जब शादी करके लाया एक बार पूछ लेता। बोले रानी साथ में चलोगी? इतना सुनते ही रानी को तो बड़ा क्रोध आ गया। बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा? तू जब से मेरे को घर में शादी करके लाए हो, कभी तुमने पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं? घर की कोने में तुमने फेंक करके रखा, अब मरते समय गए तो साथ में चलोगी? बोले देख राजा, तेरे को मैं दीप से प्रेम करती हूँ। तुम तो देख लिया ना जिसको प्रेम करती थी कहाँ तक चली, लेकिन तेरे को मैं दीप से प्रेम करती हूँ। तेरे की सुखी में सुखी बनूंगी, दुखी में दुखी बनूंगी, बिना खाए पिए तेरे को मैं खाना खिलाऊंगी। राजा तो देखा हाय रे, जिनके लिए मैंने जिंदगी किया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयार है। देखो ये जो कथा है ना, ये दूसरे की कथा नहीं है, हम अपने कथा है। जो 7 दिन तक हमने भागवत कथा सुनी है ना, इसका जो फल है ना इसी कथा में। अभी अच्छे तरह से इसको समझो और कोशिश करो इसको जीवन में उतारने के लिए, फिर हमारा जीवन ही बदल जाएगा। सबसे बड़ी रानी मतलब है, अभी जीवन में हम जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसकी मन पसंद चीज को उसको हर समय जगाते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आएगा हमारे साथ में वो चलने वाले नहीं। कहते भैया वो कौन है? जीवन में हम किसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं? बोलो किसको ज्यादा प्रेम करते हैं? कहते हम अपना शरीर को, अपनी आप को सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। ये शरीर जिस चीज की मांग करे, ये शरीर की इच्छा को हम पूरी करते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आए शरीर से पूछे कि भैया साथ में चलोगे, बताओ शरीर साथ में जाएगा कि नहीं? कहते ना जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा बड़ा रह जाएगा, जब शरीर से जो परमात्मा चले जाए, ये शरीर हमारे साथ करने वाले नहीं। अभी दूसरी रानी आई नहीं, लेकिन शरीर छूटते ही पैसा झट दूसरों का नाम पर चली जाएगी। बच्चों का नजर कहाँ रहता है? पैसा से। कहाँ कितने पिताजी कितने प्रॉपर्टी दुकान मकान कहाँ पर, उसको पर नजर रहता है ना। इसकी मीठी मीठी बोली सुनते हैं पत्नी, पत्नी के मीठा मीठा बोली सुनते ना, पास में बैठी रहती है।
पत्नी से पूछे साथ में चलोगी, बोले चलूंगी लेकिन डर जाता, बोले आगे नहीं चल सकती हूँ। परिवार वालों से पूछे भैया चलोगे, बोले क्यों नहीं, तेरे आरती सजा करके राम नाम सत्य करते करते ले जाएगी, बोले कहाँ तक, बोले शमशान तक ले जाएगी, बोले फिर वहीं पर जला करके टाटा करते करते वापस आ जाएंगे, गया तीनों गए। अभी ध्यान देखते सुनो, जो काम की हमारी बात है, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा है बेकार काम है, ये सब बेकार काम है, हैं? लेकिन अंतिम समय पर वही केवल उनकी साथ देती है। कहते भैया वो कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखे, किसको नेग्लेक्ट कर रखे, बोले भगवान की भक्ति को और भगवान का नाम है। अगर बोले भैया थोड़ा भगवान की भजन करो हरि नाम करो, बोले सो बेकार काम है, जिसका कोई काम धाम नहीं हो, जो माला लेकर के ये सब हरि कृष्ण करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे काम है, घूमना फिरना, टीवी देखना, स्मार्टफोन देखना है, गप्पे मारना, बहुत सारे काम है, सो बेकार काम है, जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वो सब माला लेकर बैठ कर हरि कृष्ण करते रहते हैं। लेकिन आप तो हिंदू है, जब शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएगी, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात होगा, किसको सुनाते हैं, और जो ऊपर लेटा हुआ है, बोले देख बेटा जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया हो वही तेरा साथ जा रहा है, इसके सिवाय तेरे साथ में एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रही है। इसलिए विरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल करती मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बोले चोर नहीं लगे लूटे नहीं जाते, दीन दीन बढ़त सबाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जितने भगवान के नाम जप करते हैं भैया यही केवल काम में आएगा, नहीं तो जगत में हमारे कोई काम में आने वाले नहीं। इसलिए भागवत का जो सार है ना, ये भागवत जी का नाम है। जब से सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ की, ठाकुर का नाम से ही उन्होंने प्रारंभ की, जब भागवत को विश्राप दिया ना, वो ठाकुर का नाम से विश्राप देते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलो, जो श्लोक को बोलने पर पूरी भागवत का फल आपको मिल जाएगी, मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम, प्राप्य दुख समस्तम नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। और एक बार बोले नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम, प्राण दुख समनम नमामि हरि परम, नमामि हरि। देखो ये अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं, बोले भगवान के नाम कीर्तन से जीवन का समस्त दुख कष्ट भरी, नाम संकीर्तन से दुख कष्ट पूरी होगा, और जीवन को जो शांति मिलेगी हरि नाम से। अभी सुना रहे थे ना, शिव का परिवार भी बड़ा शांति, बोले क्यों, शंकर जी गोस्वामी जी कहते पंचमुख राम नाम गान त्रिपुर आया, शंकर जी पंचमुख में भगवान के नाम जप करते हैं। माता पार्वती शंकर जी से पूछे ठाकुर जी किसकी नाम करनी चाहिए, शंकर स्वयं कहते हैं बोले राम राम रमति रम रमे मनोरमे सहस्रा नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम वरम। शंकर खुद कहते पार्वती 1000 विष्णु का नाम से जो फल मिलेगा, एक बार राम नाम से ही फल मिलेगा। आप देखना माता पार्वती को हाथ में माला है, देख माला। श्री गणेश जी एक बार बता रहे थे ना, एक बार 33 कोटि देवता में मीटिंग हुई, अग्र पूजा किसको होनी चाहिए, बोले विश्व ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके आ जाए। इसलिए श्री सबके सब तो चले गए, अभी गणेश जी कहाँ जाएंगे, नारद जी बोले भगवान का नाम लिखो, 3 बार परिक्रमा कर लो, क्यों, हरि से बड़ा हरि का नाम है, बस गणेश जी की जय जयकार हो गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए
गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है प्रथम पूज्य का नाम प्रभाव, केवल नाम की प्रभाव से इनका पहला पूजा होता है, केवल नाम की महिमा से। इसलिए देखना आप देखे होंगे सरस्वती, उनकी हाथ में जो माला है, ब्रह्मा जी के हाथ में देखोगे जो माला, देखे कि नहीं। इसलिए कहते हैं राम नाम की माला जपेगा कोई, जपेगा कोई। हमारे मनो पर श्री अर्जुन, अर्जुन प्रभु जी बैठे हैं ना, हरे कृष्णा, अर्जुन आनंद जी बैठे वहां पर है ना, कहां है उनका साथ वाले बैठे वो। हाँ आप इधर आ जाओगे, आना चाहो तो सामने आ जाओ, आपको पास में कोई माता जी बैठी है, दोनों आ जाओ, आ जाओ इधर, इन दोनों को ले आओ। ये हमारे हीरो कंपनी के मालिक प्रभु जी है, ये हीरो कंपनी के जो प्रभु जी उसने आए थे, देखो इतने बड़े धनी व्यक्ति होकर के आप स्वयं की हीरो कंपनी निकले खाली मिला, ये हीरो कंपनी के मालिक है, लेकिन ये मालिक होते हुए भी कहीं अगर सत्संग हो ना वहाँ पर जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। आप इधर उनको ले आओ, ले आओ इधर ले आओ। बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई Thank you.
क्या कह रहे हैं, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिव्य वाले नहीं है, कौन जप कर सकता है? दीन वाले। दीन वाले मतलब क्या है? बोले भैया जिसका दीन कमजोर है ना, वो हरिनाम नहीं करेगा, वो जुआ खेल सकता है, सिगरेट फूंक सकता है, शराब पी सकता है, वो हरि का नाम नहीं लेगा। लेकिन जिसका दिल मजबूत है जपेगा कोई दिल वाला, जिसका दिल मजबूत है ना, वही हरि का नाम करेगा। तभी तो शंकर जी हरि नाम किए, तभी तो हनुमान जी रघुपति राघव राजा राम और पति पावन, क्योंकि हनुमान का दिल मजबूत है ना, तभी तो हनुमान जप जप करते हैं। माता पार्वती का दिल मजबूत है, तभी तो वो हरि नाम कर रही ना। इसलिए जगत में बात मत करो, माता सब बैठ जाए, बैठ बैठ जाए, कथा हो रही है, बैठ जाओ वहीं पर, बैठ बैठो, कोई खड़े मत रहो, सब चुपचाप वहीं पर बैठ जाओ, पांच मिनट बैठ जाओ। इसलिए देखो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की हो, इसलिए ब्रह्मा जी शंकर जी नारद जी तभी ये प्रभु का नाम को जप कर सकते हैं। चेयर मत ला भैया, चेयर वाले। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं बोले हरि नाम को कौन जप कर सकता है? जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामनी सदा तिष्ठति भारत। देखो कृष्ण कहते हैं, ध्यान देकर सुना, भगवान कहते हैं हरिनाम को कौन कर सकता है? बोले जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान की अर्चन सेवा पूजा की, वही व्यक्ति मेरे नाम को जप कर सकता है। श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, हरि नाम करने से 3 काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, जोर से बोलो, क्या किया? पहला काम है जौनपुरी में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले रजिस्टर ले आ, बोले क्यों? बोले वो हरि का नाम कर रहा है ना, इसका नाम को यहाँ से काट दो, ये कभी और नरक नहीं आएगा, कभी ये व्यक्ति नरक नहीं जाएगा भगवान के नाम जप करने से। ताली बजाओ जोर से। बोले दूसरा काम क्या होता है? बोले दूसरा काम गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती है, सखी को बुला कर क्या कहती है? बोले सखी रजिस्टर ले आ। बोले किस लिए? बोले ये व्यक्ति का नाम को इसमें लिख दो, रजिस्टर में इसका नाम को लिख दो। बोले किस लिए? बोले हरि का नाम कर रहा है ना, वो अभी सीधा गोलोक वृंदावन आएगा। जोर से ताली बजाओ, भगवान के नाम लेके निकल सकती है। बोले तीसरा काम क्या है? बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते। बोले क्यों? तो व्यक्ति हरि नाम कर रहा है ना, ये भूर भुव मोह जन तप, जब सत्य लोक को पार करेगा मैं इसको बीच में, मैं इसकी आरती उतारूंगा, मैं इसकी आरती उतारूंगा। इसलिए कितने महिमा हरि की नाम करने वालों का। इसलिए भागवत में श्री कपिल देव क्या कहते हैं? बोले अहो वत सपोच तो गरियान। ध्यान देकर सुना, बोले वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो जो कुत्ते का मांस भी खाता है, वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो? बोले माँ अगर वो व्यक्ति हरि का नाम जप करता है, भगवान खुद कहते। बोले अहो, अहो मतलब क्या है? जैसे कोई आश्चर्य चीज देखते हैं ना, हम क्या कहते? बोले क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है। इसलिए भगवान खुद कहते बोले माँ जो व्यक्ति हरि का नाम लेता है, बोले अहो मतलब उसकी करोड़ों करोड़ जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ है, तभी ये व्यक्ति हरि का नाम को ग्रहण करना है। जो व्यक्ति हरि नाम करेगा उसको 4 काम पहले कर चुका है। बोले 4 काम किया, पूर्व जन्म में सारे तीर्थ में नहा लिया,
सारे तपस्या कर चुका है, सारे दार व्रत कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे दान पुण्य कर चुका, तब भी इसी जीवन में कोई हरि की नाम ले रहा है। ताली बजा जोर से, हरि नाम संकीर्तन की जय हो। जैसे आप लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनी, लेकिन आपने कथा सुनी कि नहीं सुनी इसका परीक्षा कैसे होगा? कथा सुनी कि नहीं सुनी इसका परीक्षा कैसे होगी? अगर आज से अगर आप प्रतिज्ञा कर लो, मुझे लगता है ज्यादा तो हमारी भक्त ही बैठे सब हरिनाम माला करने वाले, ये लगता बड़े भाग्यवान है ये। इसलिए जो लोग हरिनाम नहीं कर रहे हो, अगर आज से अगर आप लोगों ने हरि का नाम करना शुरू कर दोगे ना, समझना पूरी भागवत कथा का फल आपको, पूरी के पूरी भागवत कथा मिल गई, फल आपको मिल गई है, पूरी मिल गई। इसलिए गुरु जी ने छोटी सी कथा सुनाया करते थे, देखो ध्यान देकर सुना। जब ये रामायण ग्रंथ रचना हुई, अभी तीनों व्यक्ति में लड़ाई शुरू हो गई, बल्कि इसकी बोले देवता दैत्य और इंसान, तीनों में लड़ाई हुई। सबके सब कहते रामायण हमें मिले हमें मिले, सब लोगों में भैया लड़ाई भड़ाई मत करो, चलो ये ग्रंथ जिसने बनाया उसको पास में चलते हैं। बोले भैया ग्रंथ बनाया किसने? बोले श्री भोले बाबा, शंकर जी सबसे पहले रामायण को हृदय में रचना करके रखे। बोले चलो शंकर जी को पास में चलते हैं, शंकर जी विचार करेंगे। शंकर जी बोले देखो लड़ाई से कोई लाभ नहीं है, ये जो ग्रंथों में तीनों में मैं बंटवारा करा देता हूँ। पहले ये रामायण में था 1,00,000 श्लोक, कितना श्लोक था 1,00,000 श्लोक, उन्होंने 30,000 तीनों को बांट दिया, अब कितना बच जाएगा 10,000। 10,000 को फिर उन्होंने 3,000 कर बांट दिया, कितना बची गई 1,000। फिर 1,000 को उन्होंने 300 में बांट दिया, कितना रह जाएगा 100 को फिर शंकर जी 30 तीनों को दे दिया, कितना रह जाएगा 10। फिर तीनों में फिर लड़ाई हुई, फिर शंकर जी 3 दे दिया, कितना रह जाएगा 1 श्लोक। कहते 1 श्लोक में 4 चरण है, 4 चरण मतलब समझो जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये 1 चरण, सम वेद युधुस्सवा ये 2 चरण, माम कहा पांडव 1 चरण, हीम अपूर्वन संजय ये 4 चरण, 1 श्लोक में 4 चरण है। अब इनको भी लेकर लड़ाई हुई, शंकर जी बोले 1 चरण ले लो, अभी बच गया 1 चरण। 1 चरण में 8 अक्षर है, कितना अक्षर है 8 अक्षर। फिर इसको लेकर लड़ाई हुई, शंकर जी बोले चिंता नहीं इसको भी मैं बंटवारा कर देता हूँ, 2 2 2 दे दिया, अब कितना अक्षर बचेगा 2। शंकर जी ने कहा भैया मैंने इतने परिश्रम किया मुझे तो कुछ मिलनी चाहिए, ये 2 अक्षर मुझे ले दो। बोले भैया वो 2 अक्षर क्या है? बोले राम नहीं तो कृष्ण है। शंकर जी अपना कंठ में धारण कर लिया, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले मोहा मंत्र जय जप त महेशा काशी मुकती है तो हर समय ये महामंत्र को शंकर भी जप करते हैं, इसलिए जगत में शंकर जी की इतने पूजा हो रही है। देखो भैया अगर जगत में बड़े बनना चाहते हैं ना, हीरो हीरोइन नहीं बन करके, बॉलीवुड में हीरो हीरोइन ही बन करके बड़ा मत बनो। अगर जगत में बड़ा बनना चाहते हो, भगवान की भक्त बन करके दोबारा बड़ा बन जाओ, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तेरी पूजा होती रहेगी। जो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन 10-20 साल पहले थे, अभी कोई नाम ले रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री है तब तक 5 साल के लिए, कोई मुख्यमंत्री 5 साल के लिए, उसके बाद पद खत्म। लेकिन हनुमान जी का नाम कभी मिटेगी? मीराबाई का नाम कभी मिटेगी? तुलसीदास का नाम कभी मिटेगा? ध्रुव प्रहलाद का नाम कभी मिटेगा? कभी बताओ, जब तक दुनिया रहेगा तब तक इनकी नाम होगी। भागवत कहता है जब संपूर्ण दुनिया ध्वंस हो जाएगी,
ये गीता रामायण फिर प्रभु का धाम में चली जाएगी, फिर जब दो बार सृष्टि होगा ना फिर ही रामायण भागवत आएगा। अब भगवत गीता पढ़ करके देखो, कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम ये मत समझो अभी ये ज्ञान की बात मैं तेरे को अभी बता रहा हूं, बोले नहीं वैवस्वत मैंने अवतार में मैंने ये सूर्य को पहले ही ज्ञान दी है, फिर दो बार तुमको दे रहा हूं। ये भागवत भी वैसे है, ये समाधि ग्रंथ है, जब जब जगत आएगा तब तक जगत में भागवत प्रचार होगी, फिर आपका नाम आएगा ना। इसलिए अगर बड़ा बनना चाहो तो क्या बन करके बड़ा बनो, ठाकुर जी की भक्त बनकर बड़ा बन जाओ, ठाकुर जी की भक्त बनकर बड़ा बन जाओ, इससे बड़ा पोस्ट जगत में कुछ नहीं। इसलिए श्री मीरा कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोसे मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का आवाज लगाओ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोसे मैं बिक रहा हूँ गली गली, आज चाहे हम भी हरिनाम करेंगे कथा के बाद में यहाँ आना, एक माला लेकर जाना ठीक है, और घर में आप भी भजन करो, परिवार भी भजन कराओ, जिस घर में ठाकुर का भजन हो वही भगवान की धाम है, वही बोलो वृंदावन बन जाएगी, हैं बोलो वृंदावन बन जाएगी घर। हाँ देखो ये 7 दिन तक ये भागवत कथा हुई है, ये कथा में कोई तन से कोई मन से कोई धन से सब लोग किसी ना किसी तरह से सेवा की है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जो कथा के धन्यवाद के पात्र है ना, जो लोग आप कथा सुनने के लिए आए, कथा सुनने के लिए आप आए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं भी आ जाता पूरा ये पैंडल को सुंदर रूप में इसको सजा देते, प्रसाद की सारी व्यवस्था हो जाती, लेकिन अगर आप लोग यहाँ कथा में नहीं आते, इसलिए जो कथा सुनने के लिए आए ना आप सब परिचित हो, अगर परिचित नहीं होता है ना कथा हो सकती थी नहीं हो सकती थी, इसलिए आप सबके सब परिचित की काम कर रहे हो, घर की सारे सुख सुविधा को छोड़ करके, सारे घर की सुख सुविधा को आपने छोड़ करके एसी में बैठ रहती थी, यहाँ पर इतने गरीब में बैठे हुए हो, जो कथा सुनने के लिए आए नहीं, आप सभी के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी सबको भक्ति दे प्रेम दे और सारे शांति सुख दे और खूब आप लोग सुख में रहो, इसलिए आप लोग अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। देखो इसलिए इसी कथा में जैसे रोज रोज यहाँ प्रसाद की व्यवस्था हुई है, यहाँ के भक्त लोग बड़े अच्छे हैं, पहले तो सोच रहे थे पता नहीं कथा हमारे जो विनोद हमारे जे क्या नाम उसका नाम भी आया था क्या नाम तो खड़ा हुआ क्या नाम मनोज मनोज, इन लोगों ने सोच रहे थे कथा करेंगे सोच रहे थे, बोल रहे थे पता नहीं कौन भक्त आएगा क्या देगा नहीं देगा, बोल रहे थे पहले प्रसाद बीच में लास्ट में प्रसाद कर देंगे,
लेकिन आप लोग इतने अच्छे भक्त लोग हो, आप लोगों ने रोज रोज की प्रसाद की व्यवस्था, यहाँ के भक्त लोग ने रोज रोज की प्रसाद की व्यवस्था की, इसलिए आप लोग देखो भागवत कथा में नहीं के गिरिराज कहते हैं, भागवत कथा में जो एक अन्न की दाना भी सेवा में लगा दे, ये गिरिराज स्वयं कहते हैं अन्न की एक दाना अगर कोई भागवत सेवा में लगा दे, भगवान खुद कहते हैं कभी भी अन्न वस्त्र के घर में कभी कमी नहीं रहेगी, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी, ये भगवान कहते हैं। इसलिए आप लोग जो यहाँ पर आए, किसी ना किसी तरह से एक अन्न की दाना भी दिए, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर जो कथा में आकर के बैठे हो, और जिन लोगों ने ये भागवत कथा में कुछ ना कुछ सहयोग दिया, उनके लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी उनको भक्ति और प्रेम उनको भी प्रदान करें। और इन्हीं कथाओं में कहते हमारे जो म्यूजिशियन भैया, क्या नाम है तुम्हारा, दीपक प्रभु जी, ये भी ब्रजवासी है, और गौरीलाल प्रभु जी, कहाँ गए गौरीलाल जी, ये भी ब्रजवासी है, ये दोनों ही ब्रजवासी है, और हमारे श्रीकांत प्रभु श्रीधाम भैया हाँ, ये तो ब्रजवासी के भी भाव रही है, ये भजन करने वाले भक्ति करने वाले, इन लोगों ने बड़े सुंदर रूप में हमारे साथ में मदद किया, आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। और इन्हीं कथा में देखो बीच बीच में हमारे श्री गौरव सुंदर प्रभु जी, और यहाँ पर जीव प्रभु जी आए हैं, और हमारे चिराग प्रभु जी है, इन लोगों ने भी बड़े सुंदर सुंदर आपको रोहिणी जी का प्रभु जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, इन लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर इन लोगों ने कथा सुना। देखो कथा में मुझे भी कुछ देनी चाहिए ना, मैंने 7-7 दिन तक आपको मैंने कथा सुनाई है, नियम है कथा सुनने का कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, दक्षिणा के बगैर कथा पूरी नहीं होता है, लेकिन भले ही जो दो दो, लेकिन आप लोग मेरे को आशीर्वाद दो, क्या करो मेरे को आशीर्वाद दो, जैसे आप लोग मेरे सेवा कर सकते, आप सभी का मैं सेवा कर सकू, मेरे को आप लोग आशीर्वाद दो सबके सब। और ये कथा में हम देखे अर्जुन आनंद जी वृंदावन में भी हमारे पास में आ गए, तो क्या है तुम, हाँ श्रीमती जी का नाम ही गीता देन, बड़ी अच्छी नाम है, हाँ इनके माता जी बहुत अच्छी है, हैं बड़ी अच्छी माता जी है, जो ऐसे भक्तों को जन्म दिया है, आप इनके लिए ताली बजाओ, लेकिन ये हीरो कंपनी के ये मालिक है, लेकिन देखो ज्यादा पैसा आने वाले लोग पास में ना वो इधर उधर घूमते है, लेकिन सत्संग में कोई नहीं जाते है। शंकर जी कहते हैं पार्वती सत्संग दुर्लभ जगत में, बड़ी किस्मत वालों को सत्संग में रुचि होती है, गोस्वामी जी तो कहते हैं सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये जगत में ये दो चीज दुर्लभ है, लेकिन इन लोगों ने सत्संग में आए, ठाकुर जी इनको भक्ति दे तो शांति सुख दे और भगवान की भक्ति करे, अब इनके लिए ताली बजा जो है, अरे हमारे ये श्री विधायक जी, हमारे श्री विधायक देखो नाम इनके देखो मदन मदन लाल ठाकुर का नाम है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, इन्होंने भी ये भागवत कथा में आए, ये लोग भगवान की भक्ति करे भगवान की भजन करे, इनके लिए ताली बजाओ। हरे कृष्णा भैया, अर्जुन का नाम है ना, चार्ट कहाँ है, जितेंद्र 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 से ठीक ठीक अच्छा, हाँ अब जो चार्ट लिखा है ठीक, अब भाई अपना चार्ट लिखा था तो कागज कहाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाँ देखो ये कथा में भक्त लोग ने बढ़ चढ़ करके मदद की है, आप लोग सब लोगों ने मदद की हो, लेकिन इसमें कोई विशेष विशेष जो सेवा करने वाले श्री जिनका चाचा श्री केश राम जी जिनका सबके नाम ले, आपका सबका नाम ले लेता हूँ, बाद में आकर के सब फटो ले लेना, चाचा श्री केश राम जी और श्री महेंद्र जी और श्री बीरज प्रभु जी है, देश राज है संजय प्रभु जी, जीत प्रभु जी, राम कुमार, अतन प्रभु जी, भोला शिवा, धन सिंह रवि, विनोद, सुनील, बिट्टू
और सुनील, सुनील, जयदीप, 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 दीपक, अमन, अमन, और ये हमारे सुनील हलवाई है, सुनील हलवाई है, और हमारे महिला मंडी में से कालिंदी दीदी है, श्री सरिता दीदी है, सीमा दीदी है, श्री श्री बेरी दीदी है, और श्री सीमा दीदी, और ये संतोष दीदी है। इन लोगों के लिए हाँ, जितने सारे कीर्तन मंडली इनको साथ में जो कीर्तन मंडली, ये लोग कुछ कुछ जमा करके भागवत कथा में इन लोगों ने लगाए। ठाकुर जी इनको खूब भक्ति और शक्ति दे, तो ऐसे ही ये भागवत कथा ये लोग कराते रहे। आज विशेष करके श्री मनोज प्रभु जी और सुनील और हमारे श्री जिनको घर में हम रुके, विनोद भैया, इन लोगों के तन मन ध्यान दे करके हर तरह से जो विनोद जी घर में रुके है ना, हम सोच नहीं सकते।